हरे कृष्णा बद्दा ने मारा, हरे कृष्णा जय श्री कृष्णा। अहमदाबाद के सब डिवोरीज को मेरा दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभयश्च कृपा सिंधुमेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री राधा दामोदर भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री गौरनिताय की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन वर्तमान गुरुवृंद की जय। हिज होलीनेस जयपतक स्वामी गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सो आज का ये टॉपिक मुझे दिया गया है कि कैसे भक्ति जीवन में, या तो कैसे हमारी डिवोशनल सर्विस में हम कंसिस्टेंट रहे, माने हमारी भक्ति युक्त सेवा में हम कैसे स्थिर रहे। तो भक्ति युक्त सेवा में हम स्थिर क्यों नहीं है? राइट परंपरा में है, राइट एसोसिएशन में है, भक्तों के एसोसिएशन में है, प्रसाद लेते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, जप करते हैं, तो क्यों हम नहीं रह पाते हमारे भक्ति जीवन में स्थिर कंसिस्टेंट? तो इसका एक ही कारण है, कोई है जो हमें डिस्टर्ब कर रहा है हमारे भक्ति जीवन में, हमें स्थिर रहने नहीं देता। तो कौन है वो जो हमें डिस्टर्ब कर रहा है? तो वो है हमारा मन। तो आज का हमारा पूरा प्रवचन मन पे केंद्रित है, क्योंकि जब कोई फोड़ा होता है तो हम बर्फ़ लगा सकते हैं, लेकिन बर्फ़ लगाने से फोड़ा ख़त्म नहीं हो जाता, बस थोड़ा अच्छा लगता है, फिर कहीं और फोड़ा होता है, फिर कहीं और फोड़ा होता है। लेकिन अगर जब हम साफ़ी पीते हैं या कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन पीते हैं और रक्त को शुद्ध करते हैं, तो फिर वो फोड़ा कभी नहीं होता। तो आज हम कुछ अच्छी अच्छी बात कर ले तो मन ठीक लगता है, फिर से वापस हम उसी में आ जाते हैं। तो एक्चुअली इस पूरी चीज़ का कल्प्रिट कौन है? कौन है जो हमें डिस्टर्ब कर रहा है हमारी सेवा करने में? भगवान तो चाहते हैं कि हम सेवा करें, गुरु चाहते हैं हम सेवा करें, भक्त जिनके संग में हम रहते वो भी चाहते हैं कि हम सेवा करें। तो कौन नहीं चाहता कि हम सेवा ठीक से ना करें? उसका मतलब ये मन ही है जो हमें डिस्टर्ब कर रहा है। तो आज का प्रवचन मन पे होगा, कैसे इस मन को हम नियंत्रित करें, कैसे इस मन को हम भगवान की सेवा में लगाएं, कैसे इस मन को हम साफ करें। आज सुबह ही मैं मेरे बड़े बेटे से कह रही थी कि मेरा फ़ोन स्लो हो गया है, तो हर चीज़ बहुत ज़्यादा टाइम लग रही है, कोई भी आइकॉन टच करो। तो मुझे समझा रहा था कि आप अपने फ़ोन को क्लीन करा करो, ज़्यादा डेटा हो जाने से फिर फ़ोन स्लो हो जाता है। तो मुझे बता रहा था कि इतने सारे जो फ़ोटोज़ है गैलरी में है, ये व्हाट्सअप है, सारा आप क्लीन करो। एंड लो एंड बिहोल्ड, उसने जब क्लीन किया, सच में मेरा फ़ोन स्पीड से काम करने लगा। तो मैं जब इस टॉपिक पे विचार कर रही थी, मैंने बोला बस हमारा मन भी ऐसा ही है, मन बहुत ओवरलोड हो जाता है चीज़ों से, फिर मन स्लो हो जाता है, फिर हम भगवान की भक्ति में, सेवा में, जप में, हर चीज़ में स्लो हो जाता है। जिस तरह से फ़ोन को साफ़ करना पड़ता है, मन को साफ करना पड़ता है, जिस तरह से फ़ोन को अपग्रेड करना पड़ता है, बार बार डीबग करना पड़ता है, कुछ ना कुछ बग्स होते हैं। अभी तो मेरा एक ऐप खुल नहीं रहा है जिसमें वो पूरा भागवत और ये होता है, तो मेरा बेटा बता रहा था कुछ बग्स है इसमें, इसको सॉफ्टवेयर अपडेट करना है इसको, इतना मतलब ये सारे जो मुझे समझा रहा था, बस मैंने ये सोचा हमारा भी ऐसा ही है, डीबग करना है, बग हो जाता है मन के अंदर में, तो इसको साफ़ करना है। इस मन की हेल्थ के बारे में हमें बहुत ही गंभीरता से सोचना है। हम अपने शरीर के हेल्थ के बारे में सोचते हैं, लेकिन मन के हेल्थ के बारे में सोचना है कि मन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो ये स्थूल शरीर है और हम जो है अंदर में आत्मा, ये आत्मा और ये स्थूल शरीर के बीच में जो इंटरफेस है वो मन है, मन ही कनेक्ट करता है। और अगर मन हेल्दी नहीं है तो सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। और सी अभी कोविड के टाइम से ज़्यादा आदत हो गई है हर चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर करने की, और ये ऑनलाइन, ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, अमेज़ॉन हो या फ्लिपकार्ट हो या बहुत सारे, इसमें इतना अच्छा ऑप्शन होता है। अब चीज़ें खरीदो, उसके बाद आपको पसंद नहीं आए तो आप 10 दिन में रिफ़ंड ले सकते हो, उस चीज़ को एक्सचेंज कर सकते हो।
तो ये जो हमारा भौतिक शरीर है वो उसको हम एक्सचेंज कर सकते हैं, इस शरीर को त्याग के हमारी आत्मा कोई और शरीर में जा सकती है, लेकिन मन पे नो रिफंड नो एक्सचेंज पॉलिसी है। इस मन का रिफंड नहीं होगा ना एक्सचेंज होगा, ये मन हमेशा ऐसे ही रहता है। ये जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार, ये हमेशा हमारे साथ रहता है। जब तक हम गोलोक वृंदावन नहीं पहुँचेंगे ये हमारे साथ ही रहेगा। आत्मा के ऊपर की कवरिंग है ये। तो अगर आज ये मनुष्य शरीर छोड़ के कोई और जंतु के शरीर में, पक्षी के शरीर में जहाँ भी जाएंगे, ये मन बुद्धि अहंकार तो इसी को कैरी करना पड़ेगा, इसका कोई एक्सचेंज नहीं है। इसीलिए स्थूल शरीर से भी ज़्यादा सूक्ष्म शरीर को इम्पोर्टेंस देना है और उस पर हमें वर्क करना है, क्योंकि वो हमारा क्या कहते हैं ना, हमारा परमानेंट बंधु है, हमारा परमानेंट एसोसिएट है। तो आप देखिए, इसीलिए ध्यान योगा में भगवान कृष्ण मन के ऊपर में कितनी सारी बातें बताते हैं। ध्यान योगा के चैप्टर 6 के वर्स नंबर 5 में भगवान कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मेव हि आत्मनो बंधुर् आत्मेव रिपुरात्मनः। कहते इस मन को दोस्त बनाओ, दोस्त बना के आध्यात्मिक जीवन में आगे चले जाओ। अगर ये मन शत्रु बन जाएगा तो हमें नीचे की ओर ले जाएगा। ये मन को हमारा दोस्त बनाना है, और अगर मन दोस्त बन गया तो बहुत मदद करता है आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए। इसलिए आप देखिए, हर जगह मन की तुलना हाथी से की गई है। मन को शेर नहीं कहते, मन को हाथी कहते हैं, क्योंकि शेर को तो कभी कंट्रोल नहीं कर सकते, शेर अपना गुण नहीं छोड़ता है। लेकिन हाथी, अगर हम हाथी को ट्रेन करें तो वो बहुत मदद करता है। आप देखो हाथी जंगलों में वो झाड़ों को उठाना, आप देखो उडुपी के मंदिर में भगवान को वो लेके जाते हैं यात्रा में हाथी के पीठ पे बिठा के। हाथी अगर ट्रेन होता है तो कितना मदद करता है, लेकिन वही हाथी अगर जंगली हो जाता है तो उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकते, वो सब कुछ चूर चूर कर देगा। सेम थिंग है मन, इसीलिए मन को हाथी से कंपेयर किया जाता है। मन ट्रेंड हो भक्ति में इतना आगे लेके चले जाएगा हमें, मन अनकंट्रोल हो हमें नीचे की ओर ले जाएगा। तो इस मन के ऊपर में हमें काम करना है। कथा उपनिषद के 1.3.3 and 4 श्लोक में मन के बारे में बताया गया है कि मन लगाम है, इंद्रिया घोड़े के समान है, और जो बुद्धि है वो घोड़े चलाने वालक है, जो चालक होता है घोड़ा चलाता है, और जो आत्मा है वो यात्री है, पैसेंजर है, जो पीछे बैठा हुआ है रथ के ऊपर में। अब जब ये चालक, वाहन चालक जब इस घोड़े को चलाता है तो लगाम को जो है सही से पकड़ना है, लगाम हेल्दी रहनी है। अगर लगाम ठीक नहीं है तो घोड़े इधर उधर भाग जाएंगे। तो उसी तरह से ये मन जो है ये लगाम है और बुद्धि उसकी चालक है, और इस लगाम को हमें कंटिन्यूसली अपडेट करना है, देखना है कि ये लगाम ठीक है तो ये कहीं टूट तो नहीं गया ना, क्योंकि अगर ये टूट गया तो सारी इंद्रियाँ यहाँ वहाँ भागेगी। तो इस मन पर हमें काम करना है। सी प्रॉब्लम ये है कि मन पर लोग इसलिए ज़्यादा काम नहीं करते क्योंकि मन दिखता नहीं है, और जो चीज़ दिखती नहीं है उसकी वैल्यू हमें समझ में नहीं आती है। शरीर दिखता है इसलिए उसको हम वैल्यू करते हैं। आज बुखार आएगा इमीडिएटली हम डोलो मेडिसिन ले लेंगे, आज लग जाएगा साथ ही साथ बैंडेज लगा देंगे, लेकिन मन में क्या हो रहा है उसके पर हम अनकॉन्शियस है, हम उसकी परवाह नहीं करते क्योंकि मन दिखता नहीं है। लेकिन जो चीज़ दिखती नहीं है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। आप देखिए कोई सुंदर सा बिल्डिंग, उसकी नींव दिखाई नहीं देती, सिर्फ बिल्डिंग दिखाई देती है, लेकिन नींव स्ट्रांग नहीं हो तो बिल्डिंग गिर जाती है। हमारी भावनाएं दिखाई नहीं देती है, लेकिन आज हमारी भावनाएं, हमारे इमोशंस ठीक ना हो तो हमारे जीवन में आनंद से रह नहीं सकेंगे। हमारी भावनाओं का द्वेग हमें इधर उधर ले जाते हैं। हम गुरुत्वाकर्षण शक्ति को देख नहीं पाते, लेकिन अगर वो नहीं हो तो कैसे ये सौर्य मंडल पूरा हिल जाएगा, ये जो ग्रह सब घूम रहे हैं गुरुत्वाकर्षण ये ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा हिल रहे हैं। हवा को हम देख नहीं पाते, लेकिन हवा नहीं होने से हम सांस नहीं ले पाएंगे। तो कुछ चीज़ें दिखती नहीं है लेकिन वो ज़रूरी है। उस तरह से मन दिखता नहीं है, लेकिन बिना मन के या बिना हेल्दी माइंड के हमारे पास कुछ भी हो फायदा नहीं है। आज पूरी दुनिया भर में लोग शोर मचा रहे हैं, करोना करोना करोना, लेकिन WHO की स्टैटिस्टिक्स कहती है कि
कोरोना से भी ज़्यादा 28% ज़्यादा लोग सुइसाइड से मरे हैं लास्ट ईयर 2021 में. मतलब 28% लोग ने सुइसाइड आत्महत्या की है. तो कोरोना से भी ज़्यादा लोग हर साल आत्महत्या करते हुए मारे जा रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर में कोई काम नहीं कर रहा है, कोई रिसर्च नहीं कर रहा है. मन क्यों करता है कोई आत्महत्या? उसका मतलब मन स्ट्रांग नहीं है, उसका मतलब मन हेल्दी नहीं है. हमें मन पे काम करना है. पर आप देखिए, मॉडर्न रिसर्चर्स या मॉडर्न साइंस आप कहिए, इतनी सारी शाखाएं हैं शरीर के हर अंग को ट्रीट करने के लिए, लेकिन मन के लिए सिर्फ एक ही, बस साइकोलॉजी. उसके अलावा उस पर कुछ ज़्यादा काम नहीं है. लेकिन शरीर के प्रति एक छोटे छोटे अंग पे भी कितना रिसर्च किया जा रहा है. आज अगर आप सुबह अपने बेड से उठोगे और आपको लगता है कि आप बिल्कुल हैप्पी हो, फ्रेश हो, तो एक बार आपके घर के पास कोई डॉक्टर हो तो उसके पास चले जाइए. 15 मिनट में आपका भ्रम हटा देगा. 15 मिनट में आपको अच्छा लग रहा है, आप फ्रेश फील कर रहे हो, लेकिन डॉक्टर बोलेगा देखिए आपका शुगर हाई है, आपका ब्लड काउंट लेस है, आपका हेमोग्लोबिन लेस है, आपका गुड कोलेस्ट्रॉल बैड है, बैड कोलेस्ट्रॉल वर्स्ट है. लेकिन आप बोलोगे डॉक्टर मुझे तो ठीक ही लग रहा है, मैं तो ठीक फील कर रहा हूँ. नहीं, अब तुम अभी ठीक फील कर रहे हो, लेकिन ये तुम्हारा भ्रम है. पर नहीं, मैं तो सब कुछ ठीक कर रहा हूँ, मैं सही पोषण लेता हूँ, मैं सही खाना खाता हूँ. हो सकता है लेकिन तुम्हारे दादाजी के जीन से तुम्हें ये प्रॉब्लम आया है. मतलब इतना कुछ रिसर्च हो गया है कि हमारी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में मेडिकल साइंस बता सकती है इसमें क्या कम है क्या ज़्यादा है, लेकिन मन के बारे में उनका कोई रिसर्च नहीं है. मन के बारे में वे सोचते ही नहीं है. लेकिन हालांकि सारी डिजीज़ सारे प्रॉब्लम शुरू हो रहे हैं मन से. ये मन की स्टेबिलिटी, ये मन का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है. अगर मन स्टेबल नहीं है, मन हेल्दी नहीं है, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते. हालांकि हमारे स्क्रिप्चर्स में शरीर के बारे में ज़्यादा नहीं है, मन के बारे में ज़्यादा कहा गया है. आप देखिए, हमारे भारत में तो नॉर्मल पीपल जो इलिटरेट है, ज़्यादा पढ़ाई लिखाई भी नहीं की है, वो भी जानते हैं कि मन है, बुद्धि है, अहंकार है. वो ये नहीं जानते कि वो जानते हैं, लेकिन वो जानते हैं क्योंकि साधारण बातों में आ जाता है. आप देखिए, यहाँ पे डे टू डे घर में भी कॉन्वर्जेशन में अगर कोई कुछ गलत करता है तो साथ ही साथ में घर के बड़े बुजुर्ग डांटते हैं, तुमको बुद्धि नहीं है क्या, ऐसा क्यों किया, बुद्धि नहीं है. मतलब वो भी जानते हैं. अगर आप कहो ना, पता नहीं ऐसे कैसे मन में बात आ गई, बस मन में ऐसी इच्छा हो गई, मैंने कर दिया, तो साथ ही साथ बोलेंगे मन में इच्छा होगी तो कर दोगे, बुद्धि नहीं है. उसका मतलब वे भी जानते हैं कि एक मन है, एक बुद्धि है, एक अहंकार है. मन में आई हुई हर चीज़ नहीं करते, बुद्धि सेलेक्ट करता है कौन सी करनी चाहिए कौन सी नहीं करनी चाहिए. आज आप कोई दुकान में जाते हो, अगर आपको वहाँ कोई ड्रेस या कोई मिठाई देख के इच्छा कर दी कि मैं इसको चोरी करके लेके चला जाऊँ, लेकिन बुद्धि बोलेगा नहीं नहीं सीसीटीवी है, नहीं नहीं पुलिस आपको पकड़ेंगे, नहीं नहीं तुम्हारे जेब में पैसा नहीं है. बुद्धि हर थॉट को एनालाइज करती है. मेडिकल साइंस के अनुसार एक साधारण इंसान को डे टू डे लाइफ में 30,000 से भी ज़्यादा विचार आते हैं, लेकिन वो 30,000 विचारों पे हम काम नहीं करते. बुद्धि सेलेक्ट करते हैं कुछ विचारों को और उसके ऊपर में ही हम काम करते हैं. तो ये मन बुद्धि अहंकार का कॉन्सेप्ट तो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में पीपल यहाँ पे जानते हैं, लेकिन उस पे ज़्यादा महत्व कोई नहीं दे रहा है. हालांकि सब जानते हैं बैकग्राउंड में कि सब कुछ मन बुद्धि अहंकार के अनुसार ही हो रहा है और हमें उस पे काम करना है. हेल्दी माइंड होना बहुत ज़रूरी है. हमारे पास कितना भी धन हो, हमारे पास में कितना भी एजुकेशन हो, अगर माइंड स्टेबल नहीं है तो ये कुछ भी काम में नहीं आता. सी उदाहरण के तौर पे अगर आज आप मुझे बोलो कि आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई बेस्ट डॉक्टर चाहिए और मैं आपको लेके जाऊँ दुनिया का सबसे बड़ा कार्डियक सर्जन, बहुत ही फेमस. आप जब उसके ऑफिस में जाते हो, आप देखते हो हर जगह लगे हुए फ़ोटोज़ लगे हुए, बड़े बड़े देशों के प्रधानमंत्रियों के साथ में बड़ी बड़ी डिग्री लगी हुई है, सारे इतनी सारे मेडल्स, आप बहुत खुश हो जाओगे, चलो बढ़िया डॉक्टर दिखाया. और जब आपको ऑपरेशन थिएटर में ले जा रहे हैं, आप अभी स्ट्रेचर पे हो और अगर आपको नर्स ने कह दिया कि एक्चुअली हमारे डॉक्टर का ना माइंड स्टेबल नहीं है, 2 दिन पहले उनका एक लौता बेटा मर गया तो माइंड उनका ठीक नहीं है, तो आप क्या करोगे? बोलोगे नहीं नहीं मुझे मत ले जाओ ऑपरेशन थिएटर में, मैं थोड़े दिन बाद आऊँगा जब उनका माइंड ठीक हो जाएगा.
पर हम पूछते हैं सर अभी भी डिग्रीज तो उधर ही है, फ़ोटोज़ उधर ही है, एजुकेशन तो उतना ही है, लेकिन अब आप इससे ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते, क्यों? क्योंकि उसका मन ठीक नहीं है। डिग्रीज़ हो, कुछ भी हो, फ़ोटोज़ भी लगे हुए हो, लेकिन अगर मन स्थिर नहीं है तो हम उससे दूर रहना चाहते हैं। ये मन बहुत इम्पॉर्टेंट है। शास्त्र में कहते हैं जगत को किसने जीता, जिसने मन को जीता, जिसने मन को जीता। हमारे अपने रूप गोस्वामी क्या कहते हैं, रूप गोस्वामी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में क्या कहते हैं, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम मनसो वेगम, मनस के वेग के बारे में बात कर रहे हैं। मन का वेग अगर कोई कंट्रोल कर सकता है तो वे पूरे विश्व का आध्यात्मिक गुरु बन सकता है, ऐसे रूप गोस्वामी कहते हैं कि मन के वेग को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बार अगर कोई मन को अपना दोस्त बना लेता है तो भक्ति जीवन में बहुत जल्दी से आगे बढ़ सकता है। मन डिसाइड करता है हम इस पूरे दुनिया को कैसे देखेंगे, मन डिसाइड करता है हम कैसे जिएंगे, मन डिसाइड करता है हम कैसे मरेंगे। इसलिए आप देखिए, दुर्योधन को जब पूछा गया था कि इस दुनिया में कोई अच्छे आदमी को लेके आओ ढूंढ के, तो उसने क्या कहा, मुझे इस पूरी दुनिया में कोई भी अच्छा नहीं दिखता है, सारे बुरे हैं। और जब युधिष्ठिर को कहा गया कि एक बुरा आदमी ढूंढ के लाओ, तो उसने कहा पूरी दुनिया में सब अच्छे हैं, मुझे तो एक भी बुरा आदमी नहीं मिला। आपका मन कैसा है उस तरह से आप पूरी दुनिया को देखोगे, उस तरह से आप पूरी दुनिया को समझोगे। आपका मन डिसाइड करता है, आपका मन डिसाइड करता है आप कैसे जियोगे, आपका मन डिसाइड करता है आप कैसे मरोगे। इनफैक्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है बाय लीजा फ्रैंकिन, उसने एक बहुत सुंदर किताब लिखी है, किताब का नाम है माइंड ओवर मेडिसिन। उसमें उसने बहुत सुंदर एक रियल केस के बारे में बताया जो 1957 में हुआ था, लीजा रैंकिन। तो वो बता रही थी कि कैसे एक डॉक्टर थे डॉक्टर वेस्ट, और उनका एक पेशेंट था डॉक्टर उसका एक पेशेंट था मिस्टर राइट। इनको कैंसर था, तो ट्यूमर वाला जैसे कहते हैं ना, यहाँ वहाँ सब जगह उनके शरीर में बड़े बड़े ट्यूमर थे। एक रियल केस है, 1957 में हुआ एक रियल केस। तो अब डॉक्टर ने सोचा कि ये अब और ठीक नहीं होगा, तो डॉक्टर ने होप छोड़ दिया। तो उनको एक वार्ड में रखा हुआ था, तो अब पेशेंट्स के लिए जो रेगुलरली जो प्राइवेट वार्ड्स में उनके लिए न्यूज़पेपर आते हैं, तो इस पेशेंट ने न्यूज़पेपर पढ़ा। न्यूज़पेपर में उस दिन एक आर्टिकल आया था, जिस तरह का डिजीज़ इस आदमी को है उस डिजीज़ का क्यूर साइंटिस्ट ने ढूंढ लिया है, लेबोरेटरी में टेस्ट हो रहा है। जब इस आदमी ने इस आर्टिकल को पढ़ा तो वो बहुत खुश हो गया, तो उसने इमीडिएटली डॉक्टर को बुलाया, कहा देखिए इसका रिसर्च हुआ है और ये सक्सेसफुल हुआ है, आप मेरे लिए ये मेडिसिन लेके आइए। तो डॉक्टर ने कहा कि हाँ रिसर्च हो रहा है, लेकिन अभी तक ये बाहर दुकानों में सेल के लिए नहीं आया है, मैं इसको नहीं मंगवा सकता। नहीं नहीं डॉक्टर, आपको जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा, कैसे भी करके आप मेरे लिए ये दवाई मंगवा दीजिए। डॉक्टर ने सोचा ऐसे भी ये तो मरने वाला है, क्यों इसको डिसअपॉइंट करना। डॉक्टर ने क्या किया, कहा ठीक है मैं मंगवा देता हूँ। फिर उन्होंने क्या किया, 10 दिन के बाद में ऐसे ही इंजेक्शन में सॉल्ट वाला पानी भर के, ये देखिए आपके लिए मैंने मंगवा दिया, बहुत मुश्किल से मंगवाया, मेरे इतने कॉन्टैक्ट्स यूज़ करके मैंने आपके लिए मंगवाया। और फिर क्या किया, ऐसे ही मतलब 3 दिन का प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं ना, मेडिसिन नहीं है लेकिन वो पानी भर के बोल रहे कि ये देखो मैं आपको मेडिसिन दे रहा हूँ। तो सुबह शाम उसको वो इंजेक्शन दे रहे थे, 3-4 दिन का कोर्स। लो एंड बिहोल्ड, जैसे ही वो कोर्स शुरू हुआ उसके जो ट्यूमर थे वो धीरे 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 छोटे होने लगे, और 10 दिन के अंदर सारे ट्यूमर गॉन, एकदम हेल्दी फिट एंड फाइन। डॉक्टर शॉक्ड, नर्स शॉक्ड, सारे हॉस्पिटल में सारा स्टाफ शॉक्ड, क्या मन इतना पावरफुल होता है? क्योंकि मन में इसने सोचना शुरू किया कि मेडिसिन मिल गई मैं ठीक हो जाऊँगा, मेडिसिन मिल गई मैं ठीक हो जाऊँगा। कितना पावरफुल है मन। और फिर इसको डिस्चार्ज कर दिया। 2 महीने के बाद वो फिर से आ गया, फिर से सारे ट्यूमर्स। डॉक्टर आश्चर्यचकित, हुआ तो क्या, बातों बातों में उसने बताया कि डॉक्टर जी आपको पता है मैं अपने ड्राइंग रूम में बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और मुझे उससे पता चला कि आपने जो मुझे मेडिसिन लास्ट टाइम दी है ना वो इतनी सक्सेसफुल नहीं है, किसी किसी पेशेंट को हेल्पफुल है, किसी किसी पेशेंट को हेल्पफुल नहीं है, ऐसा न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया था। डॉक्टर समझ गया, अच्छा उसका मतलब इसका मन फिर से वीक हो गया है। डॉक्टर ने फिर से उसको थोड़ा सा चढ़ाया, कहा नहीं नहीं एक्चुअली वो पावरफुल मेडिसिन है, काम भी करता है, लेकिन उसमें डाइल्यूट कर दोगे ना
तो काम नहीं करता। जैसे कि मैंने जब आपको लास्ट टाइम दिया, ट्रांसपोर्ट में आते समय लीक हो गया था, तो मैंने थोड़ा सा पानी मिला के दे दिया, मैंने डाइल्यूट कर दिया था, इसीलिए आपको जो है वापस ये आ गया है। इस बार मैं आपको कॉन्सेंट्रेटेड दूंगा। इस बार फिर से डॉक्टर ने क्या किया, जस्ट सॉल्ट का पानी इंजेक्शन में उनको डालना शुरू किया, अगेन वो पॉजिटिव हो गए कि इस बार तो एकदम कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म मिला है, फिर से सारे ट्यूमर्स गॉन, हेल्दी फिट एंड फाइन डिस्चार्ज हो गए, घर आ गए, घर चले गए। 6 महीने के बाद फिर आए, इस बार फिर से ट्यूमर्स है। डॉक्टर फिर उनको पूछा कि क्या हुआ, बोला नहीं आपको पता नहीं डॉक्टर, आपको पता नहीं, नहीं क्या आपको पता नहीं, 2 दिन पहले कितना बड़ा आर्टिकल आया, ये जो मेडिसिन आप मुझे दे रहे हैं ना ये बिल्कुल फ्लॉप हो गया है, रिसर्चर्स ने अब इस पर आगे रिसर्च करना भी छोड़ दिया, ये एकदम फेलियर मेडिसिन है। अब डॉक्टर के पास में और बोलने के लिए कुछ नहीं था। विद इन 2 डेज उनकी नेगेटिव माइंड थिंकिंग से जो है वे मर गए। तो ये एक रियल केस स्टडी बताते हुए बता रहे थे कि कितना हमारा मन पावरफुल है, मन हमें नचा सकता है जैसे चाहे, इसलिए इस मन को हमें हमारा दोस्त बनाना है। ये मन बहुत पावरफुल है। इनफैक्ट एक बहुत फेमस कैंसर स्पेशलिस्ट एक डॉक्टर है, डॉक्टर बर्निस ईगल, तो वो एक बहुत सुंदर बात बता रहे थे। कहते कि मैं एक ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, एक कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ, और मेरे हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट्स एडमिट होते हैं, और मैं जब उनकी सुबह शाम राउंड्स पे जाता हूँ तो मैं कुछ कुछ पेशेंट्स को देख के अपने मन में सोचता हूँ ये तो बचेगा नहीं, मैक्सिमम 1 महीना लास्ट स्टेज कैंसर में है, वो पेशेंट वो बच जाएगा, वो तो अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा मेडिसिन से, क्योंकि उसका तो फर्स्ट स्टेज है, इसका ये है, मतलब बहुत सारी चीज़ें मैं मन में सोचता हूँ, लेकिन मैं थोड़े टाइम के बाद मैं देखता हूँ जिसके बारे में मैंने सोचा था कि ये बचेगा ही नहीं वो बच गया, और जिसके बारे में मैंने सोचा था कि ये तो पक्का जिएगा वो मर गया। तो तब डॉक्टर ने कहा कि तब मुझे एक बात समझ में आई कि इस दुनिया में 4th stage cancer, 1st stage cancer कुछ नहीं होता है, इस दुनिया में सिर्फ 2 टाइप के पेशेंट्स होते हैं, एक जो जीना चाहते हैं और एक जो मरना चाहते हैं। जो जीना चाहते हैं उनके पॉजिटिव एटीट्यूड से कोई भी डिजीज़ को मार सकते हैं, और जो मरना चाहते हैं आप हज़ारों मेडिसिन भी दे दो क्योंकि वो नेगेटिव थिंक कर रहे हैं, उनके बॉडी के सेल्स रेस्पॉन्ड नहीं करेंगे और वो जो है वो मर जाते हैं। तो हमारा माइंड कितना पावरफुल है आप इमेजिन करिए, हम कैसे मरेंगे, हमारे साथ क्या होगा, ये हमारा माइंड डिसाइड करता है। हमारी माइंड के अनुसार हमारे आसपास की परिस्थितियाँ खड़ी होती है। जैसे एक ट्रेन में एक रिच कपल एंटर हुआ ट्रेन के कंपार्टमेंट में, और जैसे ही कंपार्टमेंट में बैठे वो लेडी कंप्लेन करने लगी, पर्दे गंदे हैं, स्मेल आ रही है, झाड़ू नहीं दिया क्या, फ़ैन ठीक नहीं चल रहा है, एसी क्यों काम नहीं कर रहा है, इतना कुछ बोलती जा रही है। वहाँ पे आसपास में सारे पैसेंजर्स डिस्टर्ब हो गए। 15-20 मिनट के बाद में वो शांत हो गई। उसके बाद में पैसेंजर्स ट्रेन में क्या एक दूसरे से बात करते हैं, हालांकि आजकल बात नहीं करते, आजकल सब सेलफोन में बिजी है, लेकिन उन दिनों में बात करते थे। तो वो पूछ रहे, अच्छा आप कहाँ से हैं, हम रायपुर से। अच्छा क्या करते हैं आपने, हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हैं, हम दोनों पति पत्नी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में। अच्छा आप क्या मैन्युफैक्चर करते हैं, कहा मैं सोप मैन्युफैक्चर करता हूँ, जो टॉयलेट सोप होता है मैं मैन्युफैक्चर करता हूँ। अच्छा और आपकी बीवी क्या मैन्युफैक्चर करती है, मेरी बीवी अपना दुख मैन्युफैक्चर करती है, अपना खुद का दुख मैन्युफैक्चर करती है, उसका यही काम है, सुबह शाम दुख मैन्युफैक्चर करती है। परिस्थिति अच्छी भी हो लेकिन वो जिस तरह से उसके बारे में सोचती है, अपने दुख की उत्पत्ति वो खुद करती है। तो उस तरह से हमारे मन डिसाइड करता है हम कैसे जिएंगे, हमारा मन डिसाइड करता है हम कैसे मरेंगे, हमारा मन डिसाइड करता है हम कैसे चीज़ों को देखेंगे, इसलिए इस मन पे काम करना है। जिस तरह से डॉक्टर हमें डाइट देते हैं, हम कह सकते हैं डॉक्टर से, पर हाँ मैं तो रेगुलरली खाता हूँ, लेकिन डॉक्टर कहेंगे हाँ तुम खाते हो लेकिन अब तुम्हें थोड़ा सा अलग खाना है, इस तरह का डाइट लोगे तो तुम ठीक होगे, तुम्हें सांस लेना है, सांस तो सब लोग लेते हैं, नहीं नहीं अब थोड़ा सा अलग सांस लेना है, थोड़ा सा डीप सांस लेना है, तुम्हें प्राणायाम करना है तब तुम ठीक होगे, तुम्हें चलना है, हाँ चलते तो सब है, नहीं नहीं तुम्हें अब अलग टाइप से चलना है, थोड़ा ब्रिस्क वॉकिंग मॉर्निंग में करो, थोड़ा सा इवनिंग में करो, तब तुम्हारी हेल्थ अच्छी होगी। उसी तरह से हम सब सोचते हैं लेकिन अब थोड़ा सा अलग से सोचना है। अगर हमें हेल्दी होना है, अगर हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस में आगे जाना है, तो माइंड के सोचने के तरीके को बदलना पड़ेगा, और ये हमारे हाथ में है। इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में है, कुछ चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। हम कौन से कुटुंब में जन्म लेंगे हमारे हाथ में नहीं है, हमारे शरीर का रंग कैसा होगा हमारे हाथ में नहीं है, हम इंडिया में जन्म लेंगे या पाकिस्तान में जन्म लेंगे ये हमारे हाथ में नहीं है, हमारे भाई बहन कौन होंगे हमारे हाथ में नहीं है, हमारे माँ बाप कौन होंगे हम नहीं चयन कर सकते, लेकिन हम क्या सोचेंगे
ये हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ये बिल्कुल हमारे हाथ में है। और अगर हम सही तरीके से सोचना सीख जाएंगे और अगर हमारे मन के वातावरण को हम मैनेज करना सीख जाएंगे तो हमारे घर का वातावरण भी हेल्दी रहेगा, हमारी कम्युनिटी का वातावरण हेल्दी रहेगा और हम हैप्पीली बैक होम, बैक टू गॉड हेड, कृष्ण कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ते हुए जा सकते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, थोड़े से टिप्स लेंगे कैसे इस मन को हेल्दी रखें। जिस तरह से डॉक्टर टिप देते हैं ये खाओ ये मत खाओ ये करो ये मत करो, उस तरह से आज हम टिप्स सुनेंगे क्या करने से जो है हमारा माइंड हेल्दी रहेगा। और अगर हमारा माइंड हेल्दी रहेगा तो वो हमारे लिए ऑब्स्टेकल्स क्रिएट नहीं करेगा, अगर वो ऑब्स्टेकल्स क्रिएट नहीं करेगा तो हम अच्छे से भक्ति युक्त सेवा कर पाएंगे और हम भगवत धाम जा पाएंगे। तो सबसे बड़ा ट्रीटमेंट, फर्स्ट स्टेप इन द ट्रीटमेंट, कैसे ट्रीट करें इस माइंड को, एम्प्टी द माइंड, माइंड को खाली करो। जिस तरह से फ़ोन का डाटा खाली करते हैं, माइंड का डाटा खाली करो। माइंड में बहुत कुछ भरा हुआ है, इसलिए तो हम हमेशा कंप्लेन, प्राय 99% डिवोटीज़ का ये क्वेश्चन होता है, जब ठीक से नहीं हो रहा है माइंड यहाँ वहाँ चला जाता है, जब पे कॉन्सेंट्रेट नहीं होता, क्योंकि माइंड खाली नहीं है, माइंड इतना भरा हुआ है, माइंड को एम्प्टी करना है। हाँ, माइंड को एम्प्टी करना मुश्किल है, नॉर्मली घर के चीज़ों को एम्प्टी करना कितना मुश्किल है। दिवाली के टाइम पे सब माता जी लोग घर को साफ करते हैं, बहुत सारी अनयूज्ड अनवांटेड चीज़ों को बाहर रखते हैं, लेकिन आप देखोगे विद इन 10-12 घंटा सारी चीज़ें वापस चली जाती हैं। पहले तो सब निकालते कि ये तो जो चार्जर अभी पड़ा हुआ है ये तो सेलफोन मतलब ख़राब होके 2 साल हो गया, लेकिन उसका चार्जर फिर भी रखा हुआ रहता है कि नहीं शायद कोई और फ़ोन के लिए काम में आ जाए, कोई ये कपड़ा शायद इस साड़ी के साथ मैच हो जाए, ये ब्लाउज शायद ये ऐसा हो जाए, ऐसी बहुत सारी वेस्ट चीज़ें बाहर करते हैं और फिर 4-5 घंटों के बाद सोच के नहीं ये काम में आएगा ये काम में आएगा, फिर से वापस रख देते हैं। चीज़ों को त्याग करना बहुत मुश्किल लगता है, तो इमेजिन जब फिज़िकल चीज़ों को त्याग करना इतना मुश्किल लगता है तो मन की बातों को त्याग करना कितना मुश्किल लगेगा। लेकिन साफ़ तो करना पड़ेगा, क्योंकि साफ़ नहीं करेंगे तो मन भारी हो जाता है और भारी मन के साथ में चलना मुश्किल है। जैसे कि अगर कोई पहाड़ क्लाइम करना चाहता है, माउंट एवरेस्ट, तो ही हैज़ टू बी लाइट कपड़े पहनो, ज़्यादा सामान मत लो, नहीं तो आप ऊपर चढ़ाई नहीं कर पाओगे। हमें ऊपर जाना है गोलोक वृंदावन, हमें चढ़ाई करनी है, और चढ़ाई करनी है तो हमें लाइट होना पड़ेगा, मन को लाइट रखना पड़ेगा। मन अगर भारी है तो ऊपर की ओर हम नहीं जा पाएंगे। वी हैव टू ड्रेस लाइट, वी हैव टू बी लाइट, तो मन को खाली करना है। आप देखिए बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे, उनका मन खाली होता है इसलिए वे हमेशा खुश रहते हैं। आज हमारी अगर कोई फ़्लाइट डिले हो गई तो हम ऊपर नीचे हो जाते हैं, लेकिन अगर फ़्लाइट डिले हो गई आप देखिए एयरपोर्ट में बच्चे कितना एंजॉय करते हैं, वो एस्केलेटर के ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे, यहाँ घूमेंगे वहाँ घूमेंगे, हर सिचुएशन में वो लोग अपने आनंद में हैं क्योंकि उनका मन खाली है, उनका मन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हमारे मन में बहुत सारी चीज़ें भरी हुई है और उसकी वजह से हम जो है सही रस का आस्वाद नहीं कर सकते, क्योंकि मन में जगह नहीं है, मन ऑलरेडी बहुत सारी भौतिक वस्तुओं से भरी हुई है। हमारे मन में 15 साल पहले इस डिवोटी ने गौर पूर्णिमा के दिन प्रसाद लेते समय क्या कहा था वो हमें अभी भी याद है, इसने मेरे साथ ऐसी बात की थी, उसने मेरे साथ ऐसा किया था, इसकी बातों से मुझे तब दुख लगा था, तो ये सारी बातें हम इतनी जमा कर देते हैं, हमारा हार्ड डिस्क इतना फुल हो जाता है कि फिर हमें भगवान की बातों के लिए, शास्त्र जो हम अध्ययन करते फिर याद नहीं रहता। बहुत सारे डिवोटीज़ ये भी पूछते कि पढ़ लेते हैं लेकिन याद नहीं रहता, अरे याद लेने के लिए आपको हार्ड डिस्क में स्पेस तो बनानी पड़ेगी, लेकिन हार्ड डिस्क भरा हुआ है। और ये मन खाली नहीं करते तो क्या होता है, लोगों पे राग द्वेष बढ़ जाता है। कभी कभी आपने एक्सपीरियंस किया होगा किसी को देख के हमें अच्छे नहीं लगते, हमें समझ में भी नहीं आता कि वो पर्सन हमें अच्छा क्यों नहीं लगता, हालांकि उस पर्सन ने हमारे कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, लेकिन पता नहीं शुरू से ऐसे वाइब्स होते। एक कभी कुछ लोग होते जो हमें पसंद नहीं आते क्योंकि उनके साथ में हमारा प्रीवियस कार्मिक अकाउंट होता है, हमने क्या किया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर किसी ने कुछ कह दिया तो अब मन में वो बात, हमारे मन के भी बहुत सारे लेयर्स हैं, 7 लेयर्स हैं, सारे आज बात नहीं करेंगे, 3 लेयर्स की बात करेंगे, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जिससे मैं अभी आपके साथ बात कर रही हूँ, पीछे एक सबकॉन्शियस माइंड है और एक अनकॉन्शियस माइंड है। अब जब किसी ने कुछ बात कह दी जो मुझे अच्छी नहीं लगी तो पहले तो मेरे कॉन्शियस माइंड में वो बात बहुत घूमती है, कैसी बात की, किस तरह से बात की, मेरे साथ कितना बड़ा अपमान कर दिया, ये बात कॉन्शियस माइंड में रहती है। उसके बाद में कॉन्शियस माइंड में और बहुत सारी चीज़ें चलती है, तो कॉन्शियस माइंड अभी आपको मैसेज देता है कि मेरा हार्ड डिस्क फुल हो गया है और इस बात को मैं दोहरा नहीं सकता बार बार, इसको अभी पीछे डालो।
तो अब वो जाता है डेटा सबकॉन्शियस माइंड में, और फिर सबकॉन्शियस माइंड से वो डेटा वहाँ भी जब भर्ती हो जाता है तब चला जाता है अनकॉन्शियस माइंड में, और जब तक ये कॉन्शियस माइंड में है तब तक उतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब अनकॉन्शियस माइंड में चला जाता है तो वो थिक हो जाता है। जिस तरह से अगर मुझे आप पे गुस्सा आया, मैंने थोड़ा सा पानी लेके आपको पानी डाल दिया तो आपको नहीं लगेगा, लेकिन पानी जब बर्फ़ बन जाता है और जब मैं बर्फ़ से मारूंगी तो आपको लगेगा। तो रेफ्रिजरेटर में पानी क्या हो जाता है? बर्फ़ बन जाता है। उस तरह से हमारे जो विचार है कॉन्शियस माइंड में थे तब तक ठीक थे, अब जब अनकॉन्शियस माइंड में चले गए तो एकदम गट हो जाते हैं, और अनकॉन्शियस माइंड में है तो हमें उसके बारे में ध्यान भी नहीं है कि वो है, पीछे ऐसे ही पड़े हुए हैं। और उसके बाद में क्या होता है, हमें लगता है कि इस पर्सन के साथ में हमें क्या प्रॉब्लम है, ये पर्सन को देखने से मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि एक्चुअली उसके बारे में अनकॉन्शियस माइंड में आपने बहुत कुछ फीड करके रखा है, लेकिन अभी आपको पता नहीं चल रहा है। जिस तरह से अगर कोई चूहा मर गया घर में और उस टाइम पे गेस्ट आ गए, अब आप सोचोगे चूहे को कहाँ डाले, चलो पलंग के नीचे डाल देते हैं, छुपा देते हैं फॉर नाउ। आपके घर में गेस्ट आए, तो गेस्ट आए, आपने बातचीत किया, उनको रुआ अफ़ज़ा पिलाया, खाना खिलाया, वो चले गए, उसके बाद में थोड़ी देर के बाद में आप कहोगे स्मेल आ रही है, लेकिन कहाँ से आ रही है? अब आप भूल गए कि आपने चूहे को जो है बेड के नीचे डाल दिया है, मरा हुआ चूहा, अब स्मेल आ रही है, आप पूरे घर में ढूंढ रहे हो स्मेल कहाँ से आ रही है। सेम थिंग होता है हमारे माइंड के साथ, बहुत सारे विचार मन में हमने डाल दिए हैं, अब मन खाली नहीं, अब समझ में नहीं आता कि मन क्यों खाली नहीं है, मन क्यों फोकस नहीं कर पा रहा चैंटिंग पे, मन क्यों नहीं फोकस कर पा रहा सेवा पे, पर मरा हुआ चूहा आपने अंदर में डाला हुआ है, अब उसको निकालना है, उसको साफ करना है। तो उतना इंतज़ार ही मत करो, पलंग के नीचे डालो ही मत, जब मरा हुआ चूहा हाथ में आया था तब डस्टबिन में फेंक दो, उसको यहाँ वहाँ मत छुपाओ। उसका मतलब जैसे ही कोई थॉट आती है वहीं के वहीं उसको ख़त्म करो, किसी को कुछ कहना है बोलना है बोल दिया, बस बात ख़त्म, फिनिश कर दो तो प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अगर बासी हो जाएगा तो बड़ा प्रॉब्लम करेगा। अच्छा, हम में कितनी कॉमन सेंस है कि सुबह का खाना भी हम लोग शाम तक नहीं रखते हैं क्योंकि उसमें बास आ जाता है। एक हमारे घर में जो फ्रिज होता है उसको भी हम हर चार दिन में साफ़ करते हैं, क्योंकि हमें पता है अगर फ्रिज को साफ़ नहीं करेंगे तो दाल गिर जाएगी छाछ में, और छाछ गिर जाएगी भात में, और सब कुछ स्मेल आ जाएगा। उसको साफ़ करते रहते हैं हम रेगुलरली। तो उसी तरह से अगर हम मन को साफ़ नहीं करेंगे और मन में बहुत सारी चीज़ें रखेंगे तो मन में क्लैरिटी नहीं रहेगी और हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। तो सबसे बड़ा स्टेप है एम्प्टी योर माइंड, सारी नेगेटिव थिंग्स को मन से बाहर रखो, और हमेशा हर चीज़ को पॉजिटिवली लेना है। मुझे एक उदाहरण याद आ रहा है, एक छोटा सा बच्चा वो एक दिन शाम को घर आया और कहा, मम्मी आप जो है कल से स्कूल मुझे लेट लेने आना। बोला क्यों? बोला तुम लेट लेने आना क्योंकि मेरे को एनुअल डे में जो है टीचर ने प्रैक्टिस करने के लिए बुला रहे हैं। तो माँ बाप बहुत खुश हो गए, अच्छा बहुत अच्छा मेरा बेटा सेलेक्ट हुआ है एनुअल डे के प्रोग्राम में। तो 10-15 दिन की प्रैक्टिस हुई और उसके बाद एनुअल डे फंक्शन, तो माँ बाप बहुत खुशी खुशी गए प्रोग्राम देखने के लिए। पूरा प्रोग्राम ख़त्म हुआ, घर आए, माँ बाप ने पूछा बच्चे से, बेटा पूरा प्रोग्राम 2 घंटा का मैंने देखा, तुम तो कहीं नहीं दिखाई दिए, तुमने तो कहा तुम बहुत प्रैक्टिस कर रहे हो, तो क्या था तुम्हारा रोल? तो बेटे ने बहुत आनंद से कहा, ना खुशी खुशी बोला, आपको पता नहीं मेरा रोल क्या था? मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है दीपक, उसका 5 मिनट का रोल था, और एक जो मेरा फ्रेंड है रवि, उसका 10 मिनट का रोल था, सबको छोटे छोटे रोल्स, लेकिन मुझे ना टीचर ने पूरे 2 घंटे का रोल दिया। बोलता अच्छा क्या था तुम्हारा रोल? मतलब टीचर ने मुझे कहा था कि तुम ऑडियंस में बैठना और उत्साह से क्लैप मारना, जो भी चल रहा हो स्टेज पे एकदम जोर जोर से क्लैप मारना है तुम्हें। तो मेरा 2 घंटे का रोल था, सबको 5-5 मिनट का, लेकिन मुझे 2 आवर्स का रोल दिया टीचर ने। अब माँ बाप तो खुश नहीं हुए, लेकिन बच्चे की पॉजिटिव एटीट्यूड या मासूमियत देखिए, उसको कोई डिफरेंस नहीं है कि उसने स्टेज पे क्या किया या ऑडियंस में बैठा, टीचर ने कुछ सेवा दी है मुझे और मुझे वो करना है। ये हम एल्डर्स इसको अपना नहीं सकते, हम ठीक है मुझे जैसी भी सेवा दी है, सेवा सेवा होती है, तो हमें ऐसी कुछ चाहिए जिसमें हम लाइम लाइट में हो, और तब हम सोचते कि ये सेवा है, अदरवाइज़ वो सेवा नहीं है। लेकिन बच्चे का मन कितना दिखे, कितना पॉजिटिव है, जो दिया है वो सेवा, ये भी मेरा रोल है, मुझे क्लैप करना है सबके लिए, मेरे फ्रेंड्स सबको मुझे क्या इंस्पायर करना है। तो इस तरह से जो है हमारे मन को सारे नेगेटिव इमोशंस से खाली करना है। मन अगर नेगेटिव इमोशन से खाली नहीं करेंगे तो क्या कहते हैं ना, वो वेट हो जाएगा उसका। मुझे एक कहानी याद आ रही है, एक जापान में एक स्कूल थी, तो उस स्कूल में टीचर ने बहुत सुंदर एक्सरसाइज करवाई बच्चों से, कहा कि आप लोग सब उठ जाइए आपके अपने अपने बेंच पे, उठ के आसपास में देखिए ऐसा कोई बच्चा है
इस क्लास में जो आपको पसंद नहीं है, तो सारे काउंट कर रहे थे कि हाँ 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 है मुझे चार बच्चे पसंद नहीं है, मुझे पांच फ्रेंड्स मेरे पसंद नहीं, मुझे ये। टीचर ने कहा एक काम करो, एक्सरसाइज क्या है, कल जो है जितने फ्रेंड्स के साथ में तुम्हें प्रॉब्लम है, जो तुम्हें पसंद नहीं है, उतने उबाले हुए आलू को लेके आना जिप लॉक बैग में। सारे फ्रेंड्स ने अपना कैलकुलेशन किया, नेक्स्ट डे सब जिप लॉक बैग लेके आ गए सारे उबाले हुए आलू लेके। किसी ने सात लेके आया तो कोई 14 लेके आया तो कोई 2 लेके आया। तो अब बोला मैम अब क्या करना है, तो मैडम ने कहा कि इस जो जिप लॉक बैग है उबाले हुए आलू के साथ तुम्हें ये बैग तुम्हारे साथ रखना है पूरा दिन। तो बच्चे ने पूरा दिन अपने साथ रखा, लाइब्रेरी में जाओ तो साथ में, होमवर्क करो तब साथ में, खेलने जाओ प्लेग्राउंड में तो साथ में, पूरा दिन। शाम को जब घर आने का टाइम हुआ तो बच्चों ने पूछा मैम अब क्या करना है इसका, मैडम ने कहा अब घर में ले जाओ और एक मिनट के लिए भी इसको जो है तुम्हारे साथ ही रखना है, इसको दूर नहीं करना है, तुम बाथरूम जाओ जहाँ जाओ तुम्हारे साथ रखना है। बच्चों ने कहा ठीक है। नेक्स्ट डे फिर आए उस आलू को लेके, मैम अब क्या करना है, बस ऐसे कंटिन्यू करो। एट द एंड ऑफ 4 डेज बच्चे थक गए हैं, उस आलू में से स्मेल आ रही है, बैड स्मेल। बोला मैम और कितना दिन इसको पकड़ के रखना है, इसमें तो स्मेल आ रही है, बहुत गंदा लग रहा है। तो फिर मैम ने कहा कि जिस तरह से ये उबाले हुए आलू तुमको गंदा लग रहा है, वजन लग रहा है, स्मेल आ रहा है, उस तरह से अगर तुम किसी के लिए नेगेटिव फीलिंग रखते हो तो उसमें से स्मेल आती है, उसका वजन लगता है, वो तुम्हें डिस्टर्ब करता है, उस फीलिंग को निकाल के फेंक दो, तुम कितने लाइट हो जाओगे। तो फिर बच्चों को जो है ये सीख समझ में आई। तो इस तरह से हमारे जीवन में भी अगर हम उस चीज़ को रखते हैं तो माइंड हैवी हो जाता है, हम फ्री नहीं रह सकते कृष्णा कॉन्शियसनेस में। लेकिन अगर हम फॉरगेट एंड फॉरगिव कर दें तो हम कितने लाइट हो जाते हैं। मुझे याद है जब मेरे कॉलेज लाइफ में मैंने एक किताब पढ़ी थी नेल्सन मंडेला की, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और उसमें बहुत सारे अच्छे इंस्पिरेशन थी उनकी जीवन में से। और सबसे अच्छा चीज़ मुझे एक लगा कि नेल्सन मंडेला के बारे में आप सब ने सुना होगा कैसे 27 ईयर्स तक उन्हें रॉबिन आइलैंड में एक जेल में रहना पड़ा, वो भी नॉर्मल जेल नहीं था, 10x10 छोटा सा कमरा, अंधेरा कमरा, और वो पूरी कॉलोनी भी लुनेटिक्स पागल लोगों की कॉलोनी में उनको रहना पड़ा 27 ईयर्स, 2 साल 7 साल नहीं 27 ईयर्स। और इस सब का कारण था एक आदमी, जॉन वोस्टर, और ये नेल्सन मंडेला को बहुत नफरत करता था, बार बार पार्लियामेंट में बिल डालता था कि हैंग मंडेला, मंडेला को मार दो, मंडेला को फांसी करो। उसको जब प्रेस रिपोर्टर्स पूछते थे तब ये जॉन वोस्टर कहता था कि मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है मंडेला को मरा हुआ देखना, इतना ज़्यादा उससे नफरत करता था। और मंडेला को भी 27 ईयर्स तक उस आइलैंड में रहना पड़ा, बहुत सारी तकलीफें सहनी पड़ी। एट द एंड ऑफ 27 ईयर्स जब उनको वहाँ से रिहा कर दिया गया तब सारे प्रेस रिपोर्टर्स जो है मंडेला के पास में आए, माइक लगाया और कहा, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, उसमें से एक प्रश्न पूछा, आप जॉन वोस्टर के बारे में क्या कहना चाहेंगे। सबकी एक्सपेक्टेशन थी कि वो शायद गाली देगा, क्या आदमी है, यू नो। उन्होंने एक ही लाइन कहा, ही वॉज ए डिसेंट मैन, अच्छे आदमी थे, दैट्स इट। सब लोग निशब्द हो गए जिनके वजह से आपको इतनी तकलीफ सहन करनी पड़ी और आप कहते हैं अच्छे आदमी थे, ही वॉज ए डिसेंट मैन, ठीक थे। उसका मतलब उन्होंने माफ़ कर दिया। हम कभी कभी सोचते हैं माफ़ करना मतलब हम बहुत बड़े हो गए, नहीं, एक्चुअली हम जब किसी को माफ़ी देते हैं हमारे लिए ही अच्छा है, हम फ्री हो जाते हैं, अदरवाइज़ हमारा हार्ट अननेसेसरी हैवी हो जाता है। तो फॉरगेट एंड फॉरगिव, हमारे माइंड को हमें एम्प्टी करना है, जो चीज़ को जितना इम्पोर्टेंस देना है उसको उतना ही इम्पोर्टेंस देना है, राइट। जिस तरह से वस्तु, जब आप कोई वस्तु भी दुकान में ख़रीदने जाते हो तो उस पर लिखा रहता है MRP, MRP माने मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इससे ज़्यादा आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 30 लिखा है तो 30 ही पे करना है, 35 पे नहीं करना है, वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है। उसी तरह से हमारे जीवन के भी हर इंसिडेंट्स को हमें एक MRP देना चाहिए, मैक्सिमम, इससे ज़्यादा टाइम मैं इस इंसिडेंट के लिए, इस इवेंट के लिए नहीं दूंगी। अगर उससे ज़्यादा समय आप दे रहे हैं मतलब आप बुद्धू हैं। हर एक चीज़ का एक मैक्सिमम टाइम रखना चाहिए, जितनी जिसको इम्पोर्टेंस देनी है उतनी ही उसको इम्पोर्टेंस देनी है। तो एम्प्टी योर माइंड। सेकेंड थिंग है एक्सेप्ट ग्रेसफुली। आपको भगवान ने जिस सिचुएशन में डाला है उस चीज़ को एज इट इज़ एक्सेप्ट करो,
हम एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए मन चंचल, यहाँ वहाँ हम ये होता तो अच्छा होता, वो होता तो अच्छा होता, कितनी सारी चीज़ें हम सोचते हैं और वो हमें डिस्टर्ब करती है। भगवान ने हमें जैसे सिचुएशन में डाला है, हमें उसे सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है। भगवान भली भांति जानते हैं किसको कैसे सिचुएशन में डालना चाहिए। किसी किसी लोगों के लिए भगवान अलग ट्रीटमेंट करते हैं। भगवान सोचते हैं इनको ज़्यादा पैसा, ज़्यादा ऐश्वर्य देने से ये भक्ति में आगे बढ़ेंगे, नहीं तो ये भक्ति नहीं करेंगे। कुछ कुछ लोगों के लिए भगवान ने ऐसा सोचा है कि इनको आर्थिक समस्या होनी चाहिए, क्योंकि अगर इनको आर्थिक समस्या नहीं हुई और इनको अगर सब कुछ अच्छा चला तो वो भोग में लग जाएंगे और मेरा नाम भूल जाएंगे, इनके लिए ये ट्रीटमेंट ज़रूरत है। वो एक डॉक्टर है, डॉक्टर को पता है किसी को कहेंगे दही खाओ, किसी को कहेंगे दही बिल्कुल मत खाओ, सबको अलग अलग ट्रीटमेंट है। भगवान भली भांति जानते हैं क्या करने से आप उनके और पास आओगे, उस तरह का ट्रीटमेंट आपको देते हैं, इसलिए किसी और से कंपेयर मत करो। आप डॉक्टर के साथ जाके फाइट नहीं करते ना, डॉक्टर जी मैंने देखा अभी अभी आपने एक पेशेंट को कहा सिर्फ दही खाओ, फिर मुझे क्यों कह रहे हो कि दही मत खाओ, ये तो आप पार्शियलिटी कर रहे हैं। अरे बाबा उसको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, उसको दही खाना ज़रूरी है, उसको पेट साफ आएगा, तुमको सर्दी है तुम्हें दही नहीं खाना है। उसी तरह से भगवान किसी को कुछ किसी को कुछ, सबको अलग अलग ट्रीटमेंट देते हैं। हमें किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, इसको ऐसा क्यों, उसके लाइफ में ऐसा क्यों, इसके लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम है। एक्चुअली ये भौतिक जगत में सबके लाइफ में प्रॉब्लम है, ये दुखालयम अशाश्वतम। भगवद्गीता में कृष्ण कहते हैं दुनिया ऐसे बनाया गया है, ओनली थिंग इज प्रॉब्लम के फ्लेवर अलग होता है। आपका स्ट्रॉबेरी फ्लेवर होता है, किसी का वेनिला फ्लेवर होता है, लेकिन प्रॉब्लम तो सबका होता है, फ्लेवर अलग होता है। शायद आपको आपकी पत्नी से प्रॉब्लम है, उनको शायद उनके पति से प्रॉब्लम है, उनको शायद बच्चों से प्रॉब्लम है, उनको शायद सास ससुर से, उनको शायद आर्थिक समस्या, उनको शायद कुछ और समस्या। समस्या तो सबको है, सबकी फ्लेवर अलग है, लेकिन आप अपना आइसक्रीम पकड़ के कहते इसका बेटर है, नहीं किसी का भी बेटर नहीं है। ओनली बेटर तो वो है जो भगवान की भक्ति करते हैं, बाकी सबको प्रॉब्लम है। तो एक्सेप्ट सिचुएशन ग्रेसफुली, भगवान आपको जैसे सिचुएशन में डालते हैं। मैं बहुत बार अपने क्लासेस में कहती हूँ कि दुनिया में जो भी होता है उसका सिर्फ दो दो ही ऑप्शन है, या तो आपकी इच्छा के अनुसार हो रहा है या तो कृष्ण की इच्छा के अनुसार हो रहा है, उसके अलावा और कोई तीसरा पर्सन आपके लाइफ में है ही नहीं जिसके इच्छा के अनुसार आपका जीवन चले। या तो आप भगवान से कुछ मांगते हो, भगवान पूरा करते हैं, आपकी इच्छा अनुसार हो जाता है। अगर भगवान की आपने आपकी इच्छा भगवान ने नहीं पूरी की, उसका मतलब अभी भगवान अपनी इच्छा के अनुसार आपका जीवन चला रहे हैं। तो दोनों ही सिचुएशन में आपको खुश होना है, आपकी इच्छा पूरी की, आपके इच्छा के अनुसार चल रहा है, हैप्पी। आपके इच्छा के अनुसार जीवन नहीं चल रहा है, उसका मतलब भगवान की इच्छा के अनुसार चल रहा है, तो और भी खुश होना है। तो ये बात जब हमें समझ में आ जाती है हम कितने कंफर्टेबल हो जाते हैं। लेकिन हमें पता नहीं ऐसा कुछ एक माइंड में है कि कोई और एक तीसरा पर्सन है जिसकी वजह से हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, और कोई है ही नहीं, किसी को इतनी क्या कहते हैं ना इतनी कैपेसिटी, इतने ये नहीं है कि आपके जीवन को डिस्टर्ब करें। आपका जीवन आप ही डिसाइड करते हो, या तो भगवान डिसाइड करता है। तो उस तरह से हमें सिचुएशंस को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना है। और इनफैक्ट जीवन में थोड़ा सा चढ़ाई, थोड़ा सा ऊपर नीचे जब होता है तब जीवन सुंदर है। एक ही टाइप का जीवन होने से भी आप बोर हो जाओगे। जिस तरह से आप जब लंच लेते हो, आपको चाहिए थोड़ा सा खट्टा हो, थोड़ा सा मीठा हो, थोड़ा सा तीखा हो, थोड़ा सा पूरा अलग अलग जब आइटम होती है तब लगता है कि हाँ आज मज़ा आया, थोड़ा पूरम पोली खाया, थोड़ा उंधियू, थोड़ा ढोकला, हर एक चीज़ होनी चाहिए तभी अच्छा लगता है। उस तरह से लाइफ में अगर सब कुछ अच्छा अच्छा होने से भी आपको समझ में नहीं आएगा हाउ टू रिएक्ट। तो भगवान ने इस तरह से जीवन बनाया है कि कभी नीचे जाते हैं कभी ऊपर जाते हैं, तो फिर उस चीज़ की वैल्यू होती है। एक फ्रूट सलाड भी आप बनाओ तो उसमें रंग बिरंगे फ्रूट्स डालते हैं, तब जाके उसकी एक सुंदरता लगती है। उसी तरह से हमारे जीवन में भी अलग अलग टाइप के लोग, अलग अलग स्वभाव के लोगों के साथ में हमें एक छत के नीचे रहना पड़ता है, और उस वैरायटी में हमें हैप्पी फील होना है, कंप्लेन नहीं करना है। हम जब जू में जाते हैं, कोई एनिमल्स को देखते हैं वहाँ पे, हम तो कंप्लेन नहीं करते वहाँ पे बैठ के, ये मंकी ऐसा क्यों है, इसका नाक थोड़ा सा अगर ऐसा होता ना तो अच्छा लगता, इस मंकी के बाल ना थोड़े लंबे होते ना, नहीं हम वो जैसा है वैसा देख के हम आनंद करते। लेकिन हमारे घर के मेंबर्स ऊपर में हमें कितनी सारी कंप्लेन है, अगर इसका स्वभाव थोड़ा सा ऐसा होता ना तो अच्छा होता, ये थोड़ी सी ऐसे बात करती ना तो अच्छा होता। लेकिन बाहर में हम वी जस्ट एक्सेप्ट। इनफैक्ट मैं आपको बताऊँ, अगर सारे एनिमल्स सेम होना देखने के लिए तो आप वो जू में जाओगे भी नहीं देखने के लिए। आपको इमीडिएटली एक पिंजरे में एक एनिमल को देखने के बाद आपको इमीडिएटली वैरायटी चाहिए, फिर नेक्स्ट पिंजरे में कुछ और एनिमल होना चाहिए, फिर कुछ और एनिमल होना चाहिए, तब आप
सबको अच्छा लगता है, यू वांट वैरायटी. लेकिन हमारे जीवन में हम सोचते हैं कि सब हमारे जैसे सोचे, हमारे जैसे देखे, हमारे हम जो कहे वही सब माने तो कैसे होगा. तो इस तरह से जिस सिचुएशन में ठाकुर जी ने हमें डाला है, वी हैव टू एक्सेप्ट इट ग्रेसफुली. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि आप जिस सिचुएशन में हो वो आपके कर्म के फल के अनुसार है, किसी और ने नहीं किया है आपके लिए ये काम. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अब इमेजिन करिए आप ऑफिस जा रहे हो, आपने सुबह सुबह अपना टिफ़िन खुद पैक किया, आपने कुछ बनाया, जैसे आपने पूरी बनाई, छोले की सब्जी बनाई, थोड़ा सा सूजी का हलवा बनाया, आपने अपना टिफ़िन पैक किया, आप ऑफिस गए, काम किया, दोपहर को लंच टाइम हुआ, आपने अपना टिफ़िन खोला और आपने देखा कि अरे हलवा खाने के लिए तो चम्मच डालना भूल ही गया. अरे आप जब खाने के लिए गए आपने देखा अरे छोले की सब्ज़ी में सॉल्ट डालना भूल ही गया. अब आप क्या करेंगे, किसको कंप्लेन करेंगे? खाना बनाया आपने, पैक किया आपने, टिफ़िन लेके आए आप. अगर आपकी पत्नी ने बनाया होता तो आप कंप्लेन कर सकते थे, अरे फ़ोन करते थे, अरे तुम क्या कर रही हो, सॉल्ट क्यों नहीं डाला. लेकिन अगर आपने ही बनाया है, आपने ही पैक किया है, तो आप किसको कंप्लेन करेंगे? उस तरह से हमारे जो कर्म है उसके अनुसार ही इस जीवन में हमें लाइफ पार्टनर मिले हैं, बच्चे मिले हैं, माँ बाप मिले हैं, सिचुएशन मिले हैं. अब हम कंप्लेन करें तो किसके बारे में कंप्लेन करें? आपने ही सेलेक्ट किया था, आपने ही नमक कम डाला था, आपने ही प्रीवियस लाइफ में ऐसा डिज़ायर किया था कि मुझे सुंदर सी पत्नी मिले, बहुत गुणी हो, बहुत बुद्धि हो, बहुत अच्छा एजुकेशन हो, लेकिन आप नमक डालना भूल गए, मतलब आप ये मांगना भूल गए लेकिन स्वभाव अच्छा हो, भक्ति में आगे हो, ये आप डालना भूल गए. और अब आप कंप्लेन कर रहे हो कि मेरी बीवी में सब कुछ ठीक है लेकिन भक्ति नहीं करती है, मेरी बीवी बात नहीं मानती है, स्वभाव अच्छा नहीं है. हाँ पर सर पैक तो आपने किया था टिफ़िन, आप कंप्लेन नहीं कर सकते. आप सॉल्ट डालना भूल गए थे छोले की सब्ज़ी में, आप भूल गए थे टिफ़िन में चम्मच डालना, लेकिन अब आप दूसरे पे कंप्लेन कर रहे, पता नहीं ठाकुर जी क्या कर रहे, मेरे जीवन में ऐसा क्यों, ठाकुर जी ने पैक ही नहीं किया टिफ़िन, टिफ़िन तो आपने पैक किया, आप भूल गए हो. तो उस तरह से जब हम फिलॉसफी समझते हैं तब हमें कंप्लेन ही नहीं होती है, तब हम हर सिचुएशन को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करते हैं. जब हम ग्रेसफुली एक्सेप्ट करते हैं तब मन थोड़ा सा कूल रहता है और इस शांत मन से हम भक्ति कर सकते हैं. मन के बैलेंस को हमेशा चेक करते रहना चाहिए, जिस तरह से हम हमारा बैंक बैलेंस चेक करते रहते हैं. आजकल तो जाना भी नहीं पड़ता बैंक में, बस SMS भेजो आपका बैंक बैलेंस आ जाता है. हमारा ब्रेन बैलेंस, हमारा माइंड बैलेंस भी हमें चेक करते रहना चाहिए, हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए हर सिचुएशन में, हम कैसे बिहेव कर रहे हैं. एक राजा था, एक दिन एक राज्य में उसने एक अनाउंसमेंट की अपने राज्य में, उसने कहा कि मेरे पास एक अनमोल हीरा है लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरे पास एक हीरा है और हीरा जैसा ही हूबहू दिखने वाला और एक हीरा है लेकिन वो ओरिजिनल नहीं है, वो कांच का बना हुआ है. तो जो आदमी ओरिजिनल हीरा कौन सा है, कांच का कौन सा है बता देगा, मैं उसको वो हीरा दे दूँगा. तो एक अंधा आदमी, उसने कहा मुझे दो मैं बता दूँगा. लोग शॉक्ड, आधा घंटा के बाद में वो अंधा आदमी आया, उसने बता दिया ये हीरा है और ये कांच है. राजा ने पूछा तुम्हें कैसे पता चला? उसने कहा बहुत सिंपल, मैं इस दोनों को लेके गया, धूप के नीचे रखा, जो हीरा था वो 20 मिनट के बाद भी गर्म नहीं हुआ और जो कांच था वो गर्म हो गया, तो उससे मुझे पता चल गया कौन सा हीरा है और कौन सा कांच है. तो क्या हम हीरा है कि कांच है, ये हमें पता चलता है जब हम परिस्थितियों के साथ में कैसा हमारा रिस्पॉन्स होता है. हम क्या हॉट सिचुएशन में हम क्या गर्म हो जाते हैं, हमारा मिजाज गर्म हो जाता है कि हम कूल रहते हैं, कैसे सिचुएशन में हम कैसा रिएक्ट करते हैं. तो ब्रेन बैलेंस के साथ साथ हमें हमारा बैंक बैलेंस के साथ साथ हमें हमारा ब्रेन बैलेंस को भी चेक करते रहना है. बिजनेस मैनेजमेंट के साथ साथ हमें हमारा बिहेवियर मैनेजमेंट भी चेक करते रहना है, कैसा है हमारा बिहेवियर. एक्चुअली लोग सोचते हैं कि जो बहुत बार सॉरी 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 बोलते हैं ना वो लोग बहुत हम्बल है. एक्चुअली जो बहुत बार सॉरी बोलते हैं वो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में सीरियस नहीं है. क्यों? क्योंकि वो अलर्ट नहीं है, हर बार जो मर्जी कह देते हैं, माइंड के अनुसार चलते हैं और बाद में कहते हैं अरे आई एम वेरी सॉरी. ऐसा नहीं बोलना चाहते, एक्चुअली आई डोंट मीन टू से दैट, लेकिन मेरे से गलती से हो गया, एक्चुअली मैं ऐसा नहीं करना चाहते. दैट मीन्स दे आर नॉट अलर्ट.
अलर्ट नहीं है, मतलब वे कृष्णा कॉन्शियसनेस को बहुत चीपली ले रहे हैं। जो कृष्णा कॉन्शियसनेस का सीरियस स्टूडेंट है वो अपनी बातों से, अपनी वाणी से, अपने मन से, अपने बिहेवियर से, अपने चाल चलन से कभी किसी को हर्ट नहीं करना चाहेगा। वो 24 आवर्स अलर्ट रहेगा, उसका अलार्म हमेशा ऑन रहता है कि मैं कैसे बोल रहा हूँ, मैं कैसे सोच रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, किसी को मैं हर्ट तो नहीं कर रहा हूँ। तो बार बार सॉरी बोलने से कोई हम्बल नहीं हो जाता है। बार बार अगर आपको सॉरी बोलना पड़ रहा है, मतलब यू आर सो केयरलेस, आप सीरियस ही नहीं हो कृष्णा कॉन्शियसनेस में। एक बार कभी चलो गलती हो गई, बार बार अगर हमें बोलना पड़े तो हमारा बिहेवियर मैनेजमेंट हमें चेक करना है। हमको बार बार सिर्फ यही कैलकुलेट नहीं करना है कि कितना सोना कमाया। हृदय में सोना कितना है नहीं, हमारा हृदय सोने का बना कि नहीं। क्या हम अभी लोगों से अच्छी तरह से व्यवहार करते हैं, हम कैसी बात करते हैं, हमारी वाणी कैसी है, क्या हमारी वाणी ब्रेकिंग है या बॉन्डिंग है, माने हम जब बात करते हैं तो क्या लोग इंस्पायर होते हैं, उन्हें अच्छा लगता है, उनकी कृष्णा कॉन्शियसनेस में वो आगे बढ़ते हैं, या हमारी वाणी ऐसी है कि बस हम मुंह खोले और सबके क्या कहते हैं ना, दिल को या सबके हृदय को हम दुख पहुंचाते हैं। वाणी बहुत इम्पॉर्टेंट है। द्रौपदी की एक गलत लाइन ने पूरी कुरुक्षेत्र की युद्ध, अंधे का बेटा अंधा कह दिया दुर्योधन से और पूरा कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हुआ। तो हमें हमारी वाणी को चेक करते रहना चाहिए, हम कैसे बोलते हैं, हम क्या कहते हैं, हम जब कहते हैं लोगों को कैसे फील होता है। इनफैक्ट अगर चेक करना है तो हमें ना अपने पति से या अपनी पत्नी से या अपने गुरु से पूछना चाहिए। आपके पति या आपके पत्नी आपको कहते हैं क्या कि अगर गोलोक वृंदावन इस जन्म में नहीं जा पाए और अगर फिर से जन्म लिया तो आप ही मेरे पति होना चाहिए, क्या ऐसा कहते हैं, या हाथ जोड़ के आपको नमस्कार करते हैं कि फिर से मुलाकात ना हो, इस बार जो बस मैनेज कर लिया इस लाइफ में भगवान, और एक बार इस पर्सन के साथ में रास्ते में भी कभी भूल के भी सामना ना हो, क्या ऐसा सोचते हैं आपके बारे में? तो फिर कॉशन, यू हैव टू डू समथिंग अबाउट योर सेल्फ। क्या आपके गुरु आपको देख के ऐसा कहते हैं कि अगर अगले जन्म में भी मुझे कंटिन्यू करना पड़े तो तुम ही मेरे शिष्य हो और मैं तुम्हारे साथ ही जो है मैं वो डील करूँ, क्या ऐसा कहते हैं, या तुम्हें नमस्कार कर दे कि इसको कैसे गलती से दीक्षा दे दी मैंने? तो ये हम चेक कर सकते हैं, कैसा है हमारा एटीट्यूड, हम लोगों से कैसा व्यवहार करते हैं। से अक्सर पति पत्नी में भी या प्रॉब्लम्स इसीलिए आता है क्योंकि हम एक पार्ट एक्सेप्ट करते हैं, होल एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आप अगर मार्केट में जाओ फ्रूट लेने के लिए, आप एक एप्पल खरीदोगे तो आपको पूरा पूरा लेना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते हो कि मेरे को ना एप्पल का थोड़ा सा कट करके ये पार्ट दे दो ना, ये अच्छा है, पीछे थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया, अब जो है वो पूरा एप्पल। स्पेशली आप लोग इंडिया में है तो इंडिया में आप स्पेशली स्ट्रॉबेरीज खरीदोगे ना, ऊपर में स्ट्रॉबेरीज एकदम फ्रेश दिखाते हैं, नीचे थोड़ी सी मतलब ख़राब रहती है, लेकिन आपको पूरा डब्बा एज इट इज़ आपको लेना पड़ता है। हमारे साथ क्या होता है, हमारे जीवन में, हमारे रिलेशनशिप्स में, जब किसी को हम पहली बार देखते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, हमें सिर्फ उनका पार्ट पता है, मतलब द वन पार्ट ऑफ इट कि वो कैसे बात करते हैं, उनके अदर पार्ट्स हमें पता नहीं है कि वो कैसे बिहेव करते हैं। लेकिन जब शादी हो जाती है तो पूरा पूरे पर्सन को हम समझ जाते हैं, उसकी आदतें कैसे हैं, या वो खर्राटे लेते हैं, क्या वो प्लेट में जूठा छोड़ते हैं, क्या वो इस तरह से कितनी सारी चीज़ें उनके बारे में पता चलती है जो पहले पता नहीं थी एंगेजमेंट के टाइम पे या जब उनको पहली बार मिले थे, और फिर झगड़ा शुरू होता है। लेकिन जो मैच्योर होते हैं वो पर्सन को पूरी तरह से होल्ली एक्सेप्ट करते हैं, मतलब हाँ इनमें ये दोष है और इनमें ये अच्छे चीज़ है, और मैं इस पर्सन को पूरा एज इट इज़ एक्सेप्ट करती हूँ उनके दोषों के साथ और उनके अच्छाइयों के साथ में। तो उस तरह से हमारा एटीट्यूड क्या है उस पर हमें काम करना है। हमारे माइंड में बैंक बैलेंस के साथ साथ ब्रेन बैलेंस, बिजनेस मैनेजमेंट के साथ साथ बिहेवियर मैनेजमेंट, सिचुएशंस को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना है। सी भगवान का जब प्रसाद लेते हो, प्रसाद छोड़ो, आप जब चरणामृत लेते हो मंदिर में दर्शनार्थी के बाद में, क्या आप हाथ में चरणामृत लेके ऐसा कहते हो क्या, अरे आज पुजारी ने चरणामृत में थोड़ा हनी कम डाला, ऐसा लग रहा है ना, शुगर थोड़ा कम लग रहा है, रोज़ वाटर की स्मेल इतनी नहीं आ रही है। नहीं, चरणामृत तो चरणामृत होता है, आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो। उसी तरह से भगवान हमें जिस भी सिचुएशन में डालता है उसे चरणामृत की तरह हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, एक्सेप्ट ग्रेसफुली। ये सारी छोटी छोटी टिप्स अगर हम हमारे जीवन में अपनाएं तो हमारा माइंड हेल्दी रहेगा। बड़ा दिल रखो, पूरी दुनिया को अपना
कुटुंब मानो, वसुदेव कुटुंबम। हमारी क्या है, लिमिटेड अफेक्शन है। हम जब प्रे भी करते हैं तो बस भगवान मैं और मेरा परिवार सुखी रहे, उस तरह से हम प्रे करते हैं। हम बड़ा दिल नहीं रखते। जिस दिन हम बड़ा दिल रखना शुरू करेंगे, हमारा माइंड इतना रिच और हैप्पी फील करेगा। When we start praying for others, जब सी हमारा माइंड ऐसा कंडीशन है, आप देखिए स्पेशली बॉलीवुड मूवीज़ में आप देखिएगा, हीरो और विलन की फाइटिंग चल रही है और विलन ने हीरो के बहुत सारे जो पीछे लोग खड़े थे उनको मार दिया, हीरो ने भी विलन के पीछे जो लोग खड़े थे उनको मार दिया। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों और गोलियां चलती हैं, लेकिन हीरो को गोली लग जाती है तो हमें दिल पे लग जाता है। पर अरे वो लोग भी तो इंसान थे जो अभी अभी सब गिर गए, लेकिन हीरो को नहीं लगना चाहिए। हमारा प्रेम लिमिटेड है, बस वो ठीक रहे, उसीलिए हम सफ़र करते हैं। हमारे निजी जीवन में भी ऐसा है, हमारा अफेक्शन, हमारा प्रेम लिमिटेड लोगों के लिए है, मेरा परिवार, मेरा ये। पर जिस दिन हम पूरी दुनिया को, वसुदेव कुटुंबम, ये पूरी दुनिया मेरा परिवार है, तब हम सबको आसानी से क्षमा कर पाएंगे, हम सबको अकोमोडेट कर पाएंगे और हम रिच फील करेंगे, हमारा माइंड हेल्दी फील करेगा। आर्ट ऑफ ग्रैबिंग हम सीख चुके हैं, लोगों से चीज़ें लेना। आर्ट ऑफ गिविंग हमें नहीं आता, देना नहीं जानते किसी को। ज़रूरी नहीं है कि हम कुछ बड़ा दे, छोटा चीज़ भी अगर हम किसी को दे तो वी मेक ए डिफरेंस इन पीपल्स लाइफ। मुझे एक छोटे बच्चे की बात याद आ रही है, जैसे विशाखापट्टनम में तो अक्सर ऐसा होता है क्योंकि हम यहाँ समुद्र के किनारे रहते हैं, कभी कभी समुद्र की जो तरंगे हैं वो समुद्र के अंदर में जो टॉर्टोइज होते हैं या कभी स्टार फिश या कुछ, उनको मतलब शोर पर ला के छोड़ देते हैं। और कभी कभी तो एक साथ में हज़ारों फिशेस को ऐसे जो है बैंक पे पड़ी रहती है। तो एक बार एक लड़के ने देखा बहुत सारी स्टार फिश पड़ी हुई थी, तो वो एक एक फिश लेके जो है वो पानी में डालना शुरू करता है। तो कोई आदमी उसको आके कहता है कि भैया हज़ारों फिश है, तुम्हारी ये दो तीन फिश वापस डालने से इट वोंट मेक अ डिफरेंस, कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होगा। तो उस लड़के ने बहुत अच्छे से जवाब दिया कि हाँ हो सकता है मैं ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं कर पाऊँगा, लेकिन ये जो तीन फिशेज़ मैंने वापस फेंकी उनके जीवन में तो मैंने बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट किया है, वो तो मर रही थी और मैंने उनको वापस जो है जीवन दान दिया, तो आई डिड मेक अ डिफरेंस इन देयर लाइफ। तो इट्स नॉट अबाउट क्वान्टिटी, कितने लोगों के जीवन में आप जितना भी आप कर सकें, थोड़ा बहुत अगर आप करेंगे तो यू विल फील सो रिच। अगर किसी और के लिए आप प्रार्थना करेंगे, हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स इसीलिए है क्योंकि हम लोग भिखारी बन गए हैं। हमें सब समय लोगों से चाहिए चाहिए चाहिए, ये मुझे रेस्पेक्ट करे, ये मुझे प्यार करे, ये मेरे साथ अच्छे से बात करे, ये मेरे साथ ऐसे बिहेव करे, हम सब लोगों से चाहते हैं। पर हमें भिखारी नहीं, हमें राजा बनना है। वो शायद नहीं जानता किस तरह से बात करनी चाहिए, लेकिन मैं जानती हूँ, मैं ऐसे ही बात करूँगी, शायद उसका स्वभाव ऐसा है लेकिन मैं तो ऐसे ही रेस्पॉन्स करूँगी। मैं जानती हूँ प्यार देना, शायद उसके पास प्यार नहीं लेकिन मेरे पास है, मैं देना चाहती हूँ। तो हम जब अमीर बन जाते हैं, लोगों को हम देते हैं, तब हम खुश रहते हैं, इट मेक्स अस फील सो हैप्पी। और ये एक फीलिंग है, इसको बोलने से नहीं समझेंगे, जो एक्चुअली करेंगे तो एक अलग सी अनुभूति होती है। व्हेन यू हेल्प पीपल अराउंड यू तो कितना रिच लगता है, कितना अच्छा लगता है। तो जितना भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है पैसे से ही मदद करना है, वी कैन प्रे फॉर पीपल, हम लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। दो तीन साल पहले, कोविड के पहले, हम जा रहे थे दुबई प्रचार प्रीचिंग ट्रिप पे, तो यहाँ से जाना था हैदराबाद, फिर हैदराबाद से फ़्लाइट चेंज करके जाना था दुबई। तो जब हम जा रहे थे तो रास्ते में, जब फ्लाइट में हम जा रहे थे तो 16 राउंड्स जो थे वो तो कंप्लीट हो गए, और भागवत पढ़ेंगे तो छोटी सी वो लाइट ऑन करनी पड़ेगी, और पास में प्रभु जी रेस्ट ले रहे थे तो मुझे लगा उनको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, राउंड्स एक्स्ट्रा करेंगे तो इंस्पिरेशन नहीं मिल रहा है, करने की इच्छा नहीं हो रही। तो फिर मैंने ना एक आइडिया स्टार्ट की अपने मन में, सोचना कि जब फ्लाइट टेक ऑफ करती है ना तो बहुत सारी बिल्डिंग दिखाई देते हैं, फिर हिल्स दिखाई देते हैं। तो मैं सोची थी ठीक है,
मेरे मन से मैंने कहा कि एक एक्स्ट्रा राउंड, ये जो हिल्स दिखाई दे रहे हैं उस पर जितने जीव हैं सबके लिए, क्योंकि वो लोग तो अपने लिए चांट नहीं कर सकते हैं। फिर थोड़ा सा ऊपर गए तो समुद्र दिखाई दिया, तो मैंने सोचा कि ठीक है एक राउंड एक्स्ट्रा, ये समुद्र में जितने जीव है क्योंकि वो लोग तो चांट नहीं कर सकते अपने लिए तो उनके लिए। फिर ये जो छोटे छोटे कीटाणु होते हैं हवा में उनके लिए, फिर ये जो आकाश में पंखी बर्ड्स फ्लाई करते उनके लिए एक एक्स्ट्रा राउंड, ये फ्लाइट में जितने लोग बैठे हैं उनके लिए, यहाँ जो एयर हॉस्टेस है उनके लिए, जो पायलट चला रहा है ना उनके लिए और एक एक्स्ट्रा राउंड। ऐसे करते 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 बाय द टाइम हम दुबई लैंड हुए मेरे 32 राउंड्स कंप्लीट हो गए। एट द एंड ऑफ इट इतना अच्छा लगा और इतना रिच लगा, क्योंकि लगा हाँ यहाँ पे जितने बैठे हैं सबके लिए मैंने कुछ किया, मैंने कुछ दिया, और कितना आनंद लगा मन में। हम कुछ ज़रूरी नहीं है कि हम इन काइंड ही करें, हम प्रार्थना कर सकते हैं लोगों के लिए, हम प्रे कर सकते हैं लोगों के लिए, एंड दैट इज़ सच अ ब्यूटिफुल फीलिंग। सो हमारे माइंड को खाली करो, हमारे जीवन में जो भी सिचुएशन है उसे एक्सेप्ट करो, दिल बड़ा रखो, और कटु वचन मत बोलो, सबके साथ में अच्छा से बिहेव करो, और सिर्फ अच्छी बातों को याद रखो। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ। सपोज़ आपके ऑफिस में कोई बड़ा सा फंक्शन था और बहुत एंजॉय किया, जो आप लोग सब ने अच्छा फंक्शन एंजॉय किया, नेक्स्ट डे आपके ऑफिस के कोलीग आए और आपको 3 फ़ोटोज़ दिए पूरे इवेंट की। एक फ़ोटो में आपके सारे कोलीग्स थे, सब खड़े थे और सब जो है अच्छी तरह से स्माइल कर रहे थे, लेकिन आप नहीं थे। एक फ़ोटो में आपके सारे कोलीग्स थे, सब अच्छी तरह से स्माइल कर रहे थे, आप भी थे, लेकिन आपका बाल थोड़ा सा ऐसा हो गया था, मुंह थोड़ा सा ऐसा, कभी कभी ऐसा होता है ना, रॉन्ग क्लिक हो जाता है, आप कहीं और देख रहे हो। और एक फ़ोटो था जिसमें आपके कोलीग सब थे, स्माइल कर रहे थे, आप भी थे, आप भी स्माइल कर रहे थे। अब ये तीनों पिक्चर में से आप कौन सा पिक्चर आपके एल्बम में लगाओगे? अब आप बोलोगे माता जी ये कैसा क्वेश्चन है, ऑफकोर्स जिस पिक्चर में मैं नहीं हूँ उसको लगा के क्या करूँगा, और जिस पिक्चर में मैं ठीक से खड़ा नहीं हूँ उस पिक्चर को मैं क्यों लगाऊँगा, जिस पिक्चर में सब कुछ ठीक है मैं उसी को लगाऊँगा क्यों? क्योंकि आगे चल के भी जब भी मैं वो एल्बम देखूँगा तो मुझे मेरी अच्छी मेमोरीज को देखना है और आनंद करना है। उसी तरह से हमारे मन के एल्बम में भी हमें सिर्फ अच्छी चीज़ों को रखनी चाहिए, जो अच्छी अच्छी बातें हुई, इस प्रभु जी ने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया, इस माता जी ने हमको ये कहा, हमको ये, वो अच्छी अच्छी बातें हमारे मन के एल्बम में हमें लगा देनी चाहिए, और जो अच्छी बातें नहीं थी उसे एल्बम में लगाना ही नहीं, उसको भूल देना, भूल जाना है, वहीं के वहीं भूल जाना है। फिर आगे चल के भी हमारे मन के एल्बम को हम जब घुमाएंगे तो सिर्फ अच्छी बातें याद आएगी, और जब अच्छी बातें याद आएगी तो क्या होगा, यू हैव ए ट्विंकल इन योर आईज, नॉट ए रिंकल ऑन योर फेस। आपके फेस पे बुरा नहीं, आपका फेस सुंदर और आनंद से जो है प्रकाशवान हो जाएगा, यू विल फील सो हैप्पी। तो अच्छी अच्छी बातों को याद रखना। तो ये सारी छोटी छोटी टिप्स अगर हमारे जीवन में हम अपनाते हैं, हमारे माइंड को हम हेल्दी रखते हैं, तो हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में आगे जा सकते हैं। सी माइंड का तो जैसे कभी कभी ट्रैफिक जाम नहीं हो जाता, तो फिर क्या होता है, जब ट्रैफिक जाम होता है भारत में क्या करते हैं, सबसे पहले ट्रैफिक पुलिसमैन को बुलाता है, फिर ट्रैफिक पुलिसमैन आता है और फिर बोलता है इस गाड़ी को यहाँ पे आप लोग रोको, आप लोग निकलो, आप लोग यहाँ से आओ, पूरी 15-20 मिनट में सब कुछ सेट कर देता है। ट्रैफिक पुलिसमैन नहीं होता है तो सब गाड़ी यहाँ वहाँ एक्सीडेंट हो जाता है। उसी तरह से हमारा जो माइंड है उसमें ट्रैफिक जाम होता है, इतनी सारी गाड़ियाँ यहाँ वहाँ जाती है, हमें ट्रैफिक पुलिसमैन की मदद लेनी चाहिए। ट्रैफिक पुलिसमैन माने हमारी बुद्धि, बुद्धि जो है वो आके ट्रैफिक कंट्रोल करता है, हाँ इस विचार को जाने दो, इस विचार को यहीं रोको, इस विचार को यहाँ से आने दो, और ये पूरा माइंड को सेट करता है। लेकिन ट्रैफिक पुलिसमैन को ट्रेनिंग देनी पड़ती है तब जाके वो ट्रैफिक कंट्रोल कर पाएगा। उसी तरह से बुद्धि को ट्रेन करना है, और बुद्धि तभी ट्रेन होती है जब हम श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं। तो बुद्धि को ट्रेन करने के लिए भागवतम पढ़ना है, मन को नियंत्रण करने के लिए जप करना है, और अहंकार को कम करने के लिए वैष्णव की सेवा करनी है। तो ये तीनों मन बुद्धि अहंकार के सॉल्यूशन, मन को जप करो, जप करवाओ, बुद्धि को शास्त्र पढ़ाओ, और अहंकार को कम करने के लिए वैष्णव की सेवा करो, और जो है मन को साफ करो, झाड़ू लेके मन को साफ करो, रेगुलरली जप के द्वारा, इंट्रोस्पेक्शन के द्वारा। जब से भी माइंड साफ होता है और इंट्रोस्पेक्शन से, बेकार की चीज़ें बाहर कचरा डब्बा में फेंको, वेस्ट चीज़ें को परिग्रह मत करो,
वस्तुओं का ही नहीं, मन में भी बहुत सारे विचारों का भी परिग्रह होता है। परिग्रह मत करो, उसको फेंको। तो ओके, बहुत सारी अच्छी बातें हमने सुनी, लेकिन इस बातों को आचरण में लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे ये जो शास्त्र है, हम जब ये क्लासेस सुनते हैं तब हमें वो क्लासेस, वो शास्त्र हमें आईना दिखाता है। तो आईना में जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ, हमारा बाल ठीक नहीं है, लेकिन आईना बाल ठीक नहीं कर सकता, ठीक तो आपको ही करना पड़ता है। शास्त्र सिर्फ दिखाता है तुम्हारे में प्रॉब्लम क्या है, लेकिन देखने के बाद में बाल ठीक तो आपको ही करनी पड़ती है, मतलब एक्शन प्लान, मेहनत तो आपको ही करनी है, तो उसका मतलब एक्शन प्लान होना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है, क्लासेस सुन के सुन के हम लिखते रहते, हमारी किताब के बाद किताब भर जाती है, लेकिन जीवन में कुछ भी आचरण नहीं होता। हम लोग क्या है ना, बांध के जैसा, बांध समझते हैं, डैम में बहुत ज़्यादा पानी हो तो उससे हमें क्या, नहर होगी, और नहर के द्वारा अगर वो पानी हमारी भूमि में आएगी तभी तो हमारी भूमि में सुंदर अनाज उगेगा और हरियाली छाएगी। लेकिन अगर पानी डैम में ही पड़ा रहेगा तो हमारा जो एग्रीकल्चर लैंड है वो तो ग्रीन नहीं होगा। उसका मतलब केवल किताब में ही अगर पड़ा रहा जो भी हमने सुना, उससे हम भक्त नहीं हो सकते। किताब बहुत सारी हो जाएगी, वॉल्यूम के बाद वॉल्यूम। उसका मतलब एक्शन प्लान बहुत ज़रूरी है। उसका मतलब डेट वाइज, जैसे ही कोई प्रवचन सुनते हैं उसमें से एक 10 पॉइंट हमने उतारे हैं, उसके पास में डेट भी लिखनी है, फेब्रुवरी 27 तक इसको आचरण में लाना है, बाकी के इस 4 पॉइंट को गोडाउन में रखना है, ये पॉइंट आचरण में आने के बाद में इसको मार्च 7 से आचरण में लाना है, बाय 31 मार्च ये 4 पॉइंट जो आज के लेक्चर में सुने हैं वो मेरे आचरण में आने हैं। उस तरह से हमें पूरा प्लानिंग करना है, तब जाके हम जो भी सुनते हैं उसका कोई फ़ायदा है। अदरवाइज़ डैम में पानी भरा रहेगा लेकिन हमारी भूमि बंजर रहेगी, कुछ भी अनाज नहीं उगेगा उसमें। तो इस तरह से जो है हमें शास्त्र को सुन के हमारी बुद्धि को ट्रेन करना है, जप करके हमारे मन को नियंत्रण में लाना है, वैष्णवों की सेवा करनी है, रेगुलरली इंट्रोस्पेक्शन करना है, स्पिरिचुअल गाइडेंस लेनी है आध्यात्मिक गुरुओं से, हमारे जो शिक्षा दीक्षा गुरु है, हमारे जो मेंटर्स है, और रेगुलरली अपने आप को करेक्ट करना है। अगर इस मन की ट्रीटमेंट सक्सेसफुल रही तो जो है हमारी भक्ति डिवोशनल सेवा में कोई ऑब्स्टेकल नहीं आएगा, फिर हम हमारी डिवोशनल सर्विस को कंसिस्टेंटली कर पाएंगे। तो ये कहते हुए मैं आज का क्लास यहीं ख़त्म करूँगी। थैंक यू सो मच डियर डिवोटीज आपकी पेशेंट हियरिंग के लिए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। थैंक यू। ओके, तो आपका ये क्वेश्चन है कि कैसे हम किसी को माफ़ करें। एक्चुअली इंग्लिश में एक कहावत है, इफ़ यू डोंट हैव एनीथिंग बिग टू डू देन एवरीथिंग स्मॉल ऑल्सो बिकम्स बिग। आपके पास में जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए नहीं है तो हर छोटी चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगेगी, लेकिन अगर आपके पास में कोई बड़ा गोल है तो ये छोटी चीज़ छोटी ही लगती है, उसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं लगता है। एक्चुअली हम अगर सब कुछ बिग पर्सपेक्टिव में देखें ना, कि हम यहाँ पे टेम्प्ररी है और हमें भगवत धाम जाना है, तो हमें एक्चुअली लोगों को माफ़ करना बहुत आसान लगेगा। आई टेल यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। मैं जब कॉलेज में थी ना, एक इंटरेस्टिंग बुक मैंने पढ़ी थी, फिक्शन बुक है, आई थिंक उसका नाम था व्हेन द वर्ल्ड कोलाइड्स। और इस किताब, एक फिक्शनल किताब है जिसमें, मतलब मैं उसकी शॉर्ट में स्टोरी बता रही हूँ, स्टोरी ऐसी है कि प्लैनेट अर्थ को कोई और प्लैनेट अटैक कर रहा है, तो वो अभी 1 महीने के बाद में जो है प्लैनेट अर्थ के पास में आने वाला है,
और सब लोग एक महीने के अंदर में मर जाने वाले हैं। तो पहले जब साइंटिस्ट ने ये अनाउंस किया तो किसी ने नहीं माना, नहीं नहीं ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन लो एंड बिहोल्ड 10 दिन के बाद उन्होंने देखा, हाँ ये सच है, एक गोल आकार का जो एक प्लैनेट उनके पास आ रहा है वो एकदम लाल रंग का है। अब सबको विश्वास हो गया कि बस हमारे पास में और 15-20 दिन है, हम सब मर जाने वाले हैं। जैसे इस बात का सबको विश्वास हो गया, लोग बदल गए। जो रेस्टोरेंट्स में जहाँ पर आपको उन्हें खाने के लिए पैसा देना पड़ता था, वो लोगों को बुला बुला के खिला रहे, कहते पैसा नहीं चाहिए, अब तो हम 15-20 दिन में मर जाने वाले हैं, इतना सब स्टोर में राइस दाल अनाज पड़ा हुआ है, क्या करेंगे, चलो बनाओ खाओ। जेल में जितने भी कैदी थे सबको छोड़ दिया, बोला अब जेल में रह के क्या करेंगे, जाओ बाबा अपने माँ बाप के साथ में, अपने बीवी बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करो। जिन बच्चों ने अपने माँ बाप को छोड़ के दूसरे देश चले गए थे वो वापस आ गए, अरे बच्चे कुछ दिन है हमारे माँ बाप की सेवा करेंगे, हमारे माँ बाप के साथ रहेंगे। जो पति पत्नी का डिवोर्स हो गया था वो वापस आ गए, बोला अब ऐसे ही भी मरना है, अब डिवोर्स वगैरह क्या करेंगे, चलो साथ में रहते हैं। अब जिसको जिसको लोन दिया हुआ था उन्होंने कहा अब लोन का पैसा वापस दे के क्या करोगे बाबा, रखो पैसा, सबको तो मरना है। अब पूरा सिचुएशन ऐसा चेंज हो गया, पूरी दुनिया में सब प्रेम प्रेम प्रेम, बस एक दूसरे को प्रेम करे जा रहे, प्रेम करे जा रहे, कोई किसी की बात का बुरा ही नहीं लगा था। कोई कुछ बोले तो बोलते अरे क्या है 15 दिन के है, और अब क्या 15-20 दिन के मेहमान है, अभी तो हमको जाना है। एक दूसरे को गले लगते हैं, प्यार करते हैं, एक दूसरे को चीज़ें देते हैं, इतना आनंद का परिवेश हो गया, लगता जैसे कि बस स्वर्ग है। उसके बाद क्या हुआ, जब इस तरह से चल रहा है और पास में आ रहा है ना मौत, जब टाइम पास में आ रहा है, तब सडनली क्या हुआ, वो जो प्लैनेट पास में आ रहा था अर्थ के पास में, वो पीछे चला गया और कोई और डायरेक्शन में चला गया। साइंटिस्ट ने कहा वी आर ऑल सेफ नाउ, कोई रिस्क नहीं है, ये प्लैनेट जो है वो किसी और डायरेक्शन में चले गए, अब हम सब जिंदा रहेंगे, हमें कुछ नहीं होगा। अब क्या हो गया, इमीडिएटली सारे जेल के कैदियों को वापस बुला दिया, सारे जो बच्चे माँ बाप के पास आए थे वापस अपने अपने जो फॉरेन कंट्रीज चले गए, पति पत्नी अलग हो गए, सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो गया। अब मैं आपको ये कहानी क्यों बता रही हूँ, जैसे ही पता चला कि हम यहाँ पे टेम्परेरी है, पूरा एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ एंड पीपल चेंज्ड। लेकिन जैसे हमें लगता है कि नहीं हम परमानेंट है, तब हम किसी को माफ़ नहीं कर पाते। अगर हम जिसको भी माफ़ करना चाहते हैं या नहीं कर पा रहे, एक बार अगर हम सोचें ना कि वो टेम्प्ररी है, और अगर आपको कोई बोल दे कि भाई वो अब ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं है, वो ज़्यादा दिन नहीं बचने वाले हैं, आप देखिए आपका एटीट्यूड बिल्कुल चेंज हो जाएगा। या अगर आपको कोई बोल दे कि आप ज़्यादा दिन नहीं रहने वाले हो, आपका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा कि अब छोड़ो क्या करेंगे, इस माइंड में रख के कहाँ हमें ज़्यादा रहना है। प्रॉब्लम यहाँ आता है कि हम सोचते हैं कि हम परमानेंट हैं, इसीलिए किसी को माफ़ नहीं कर पाते हैं। हम अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं ना, इसलिए हम माफ़ नहीं कर पाते हैं। वी थिंक वी आर सो इम्पॉर्टेंट, वी आर सो ग्रेट, पर जब हम पूरा बिग पर्सपेक्टिव में देखते हैं ना कि वी जस्ट स्मॉल थिंग, एंड कितनी कुछ चीज़ें हैं इस दुनिया में करने के लिए। या और एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, इमेजिन घर में आग लगी है और पूरा घर जल रहा है, और तभी आपको पता चलता है कि घर में हॉल के बीचों बीच में एक होल है, आप सीढ़ी लगाते हो, फटाफट से आप सीढ़ी से सब घर के मेंबर्स जो है आप बाहर निकलना है ना, आप किसी भी मोमेंट में घर पूरा पूरा जल जाएगा। और आप जैसे ही सीढ़ी से ऊपर जा रहे हो, वैसे ही आपकी बहन ने आपको कहा ये तुम ब्लू कलर का ड्रेस पहन रही हो, तुम्हें मैच नहीं कर रहा है, आप क्या करोगे? और रियली आप नीचे उतर के अच्छा अच्छा नहीं लग रहा है, बदल लो क्या, कौन सा वाला पहनूँ, येलो वाला पहनूँ क्या? आप बोलोगे पागल है क्या, येलो या ब्लू, चलो निकलते हैं पहले यहाँ से। हो गया, क्यों आप ऐसा क्यों कहेंगे? क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि घर जल रहा है, येलो ड्रेस और ब्लू ड्रेस की बात भाड़ में जाए, चलो पहले यहाँ से निकलते हैं। उसी तरह से जब हमको समझ में आ जाता है ना कि हम इस दुनिया में परमानेंट नहीं है, तब हम सोचते अरे छोड़ो बाबा, इसने हर्ट किया, उसने ऐसा कहा, इसने ऐसा कहा, फॉरगेट अबाउट इट, चलो निकलते हैं यहाँ से, बहुत सारे काम हैं हमें, हमें भगवान भगवत धाम जाना है, हमारी आत्मा को शुद्ध करना है, हमारे पूर्व के पता नहीं कितने कर्म बाकी है, कितने लोगों के साथ में अकाउंट क्लोज करना है, इसने मुझे हर्ट किया वो तो छोड़ो, मैंने कितनों को हर्ट किया मुझे तो उसका लिस्ट बनाना है। अभी पता नहीं अनजाने में कितने लोगों को क्या कह दिया, मैंने कितने लोगों को हर्ट किया होगा, शायद इस जन्म में नहीं किया तो पहले के जन्म में किया होगा। तो इतना ये सब आप जब सोचेंगे ना, तब आप बहुत ईजी से किसी को माफ़ कर देंगे। किसी को माफ़ करना मतलब हम सोच रहे हैं कि उसने गलती की, हम माफ़ी दे रहे हैं। हम ये क्यों नहीं सोच रहे कि हमने जो बॉल फेंकी थी वो हमें वापस आई, बॉल मैंने फेंकी थी दीवार पे, बाउंस होके जब वापस आई तो मुझे लगता कि ये दीवार प्रॉब्लमेटिक है, ये दीवार कितनी बॉल्स फेंकती है मेरे पे, पर सर मैडम बॉल आपने फेंका था, वो जस्ट वापस आ रहा है। लोग हमारे साथ जिस तरह से बिहेव करते हैं वो हमारे पूर्व के कर्म है। जीव गोस्वामी कहते हैं इस दुनिया में ऑल दी गुड पीपल आर forced to behave badly with you because of your bad karma।
जीव गोस्वामी कहते हैं दुनिया के सारे अच्छे लोग जबरदस्ती आपके साथ में बुरी तरह से व्यवहार करना पड़ रहा है क्योंकि आपके कर्म ऐसे हैं। तो जिस तरह से हम जब ये सारी बातें समझ लेते हैं तो हमें किसी पे क्रोध नहीं आता, हमें किसी पे भी क्रोध नहीं आता है। एट द सेम टाइम मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई हमारे साथ में कुछ गलत हुआ तो फिर भी जो है हम उस पर्सन से फिर से एसोसिएट करें और कहे कि ये मेरा कर्म है, मुझे और हर्ट करता रहे और मैं उसी के साथ कंटिन्यू करूँगी अपना एसोसिएशन। नहीं, हम माफ़ कर देते हैं पर हम फिर उसे कंटिन्यू नहीं करते। क्यों नहीं कंटिन्यू करते? क्योंकि हमारे पास में बेटर थिंग्स है करने के लिए। हमें भगवत धाम वापस जाना है, हमारे जप में कॉन्सेंट्रेट करना है। अगर हम ऐसे लोगों के संग में रहेंगे जिनकी संगति से हमें इंस्पिरेशन नहीं मिलता है तो हमारे कृष्ण कॉन्शियसनेस में डिस्टर्बेंस है। तो पर हम माफ़ कर देंगे, हम किसी के लिए ग्रज नहीं रखेंगे हृदय में। एट द सेम टाइम हम उनसे दूरी बना के रखेंगे। ये इंटेलिजेंट पीपल ऐसा करते हैं। ठीक है, मुझे उनके ऊपर में कोई ये नहीं, एट द सेम टाइम मैं इंस्पायरिंग एसोसिएशन में रहना चाहती हूँ जिससे मुझे कृष्ण कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ने की इंस्पिरेशन मिले। ओके ओके सो यू सेड योर क्वेश्चन इज दैट जब हम छोटे होते हैं तो हमारा माइंड कितना इनोसेंट होता है, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारा माइंड कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो कैसे रखें हमारे माइंड को वैसा ही प्योर एंड इनोसेंट जैसा बचपन में था? दैट्स इट, राइट एसोसिएशन। ये सारा किस लिए होता है? ये जो पूरा जो भगवान हमारी फ़ोन की जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो अच्छी होती है, उसके बाद में हम फ़ोन ख़रीदने के बाद उसमें सारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स चेंज कर देते हैं, अलग सा बैकग्राउंड डालते हैं, क्या कहते हैं रिंग टोन चेंज करते हैं, ये चेंज करते हैं, हम बहुत कुछ चेंज करते हैं। तो हाँ, चेंजेस तो हम करेंगे जैसे ही हम बड़े होते हैं, पर व्हेन यू एसोसिएट विद द राइट पीपल तो फिर से जो है आपकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स आ जाएगी या तो राइट सेटिंग करने के लिए गाइडेंस मिलेगी। तो जस्ट एसोसिएट विद द राइट पीपल, रीड स्क्रिप्चर्स रेगुलरली एंड सी, ऐसा नहीं है कि एक क्लास सुनने के बाद में चमत्कार हो जाएगा जीवन में और आप बदल जाएंगे। नहीं, लेकिन फिर से गलत करेंगे आप, लेकिन हर बार जब क्लास सुनते हैं तब आपका जो गूगल मैप है वो रीरूटिंग हो जाता है और फिर से रीरूटिंग हो जाता है। आपको समझ में आ रहा है? जैसे अगर मैं आज कोई डेस्टिनेशन में जा रही हूँ और गूगल मैप मुझे कहता है टेक ए राइट, पर मैंने नहीं लिया राइट, मैंने लिया लेफ्ट, फिर क्या होता है जब मुझे पता चलता है कि नहीं ऐसा नहीं, एक्चुअली मुझे ऐसा जाना था, फिर क्या होता है गूगल मैप रीरूट होता है और आप फिर से सही वे में आने की कोशिश करते हो, फिर से आप गलत स्टेप लेते हो, फिर से रीरूटिंग होता है। उस तरह से जितनी बार हम क्लासेस सुनते हैं शायद हम उतनी ठीक तरह से हमारे कृष्ण कॉन्शियस जर्नी में आगे नहीं बढ़ रहे, लेकिन एवरी टाइम एक क्लास सुन रहे हैं मैप का रीरूटिंग हो रहा है। ओके, आपने रॉन्ग लिया था राइट, लेकिन अब आप यू टर्न ले लीजिए। ठीक है, आपने लेफ़्ट नहीं लेना चाहिए था, लेकिन अब आप ऐसा घूम लीजिए। तो उस तरह से एक क्लास में चमत्कार नहीं होगा या दो क्लासेस से चमत्कार नहीं होगा, बट रेगुलरली हियर करने से वी विल रीडिफाइन अवर लाइफ्स एंड वी विल यू नो फिर से हमारे क्या कहते हैं रीरूट हो जाएंगे और धीरे धीरे एक दिन ऐसे करते 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 हम हमारे डेस्टिनेशन में पहुंच जाएंगे। तो या इट विल टेक टाइम, वी जस्ट नीड द राइट एसोसिएशन हु विल हेल्प अस इन द राइट वे। इनफैक्ट इसके बारे में मैं और भी कुछ बोलना चाहती हूँ, आई जस्ट वॉन्ट टू टेक सम मोर क्वेश्चन बिकॉज आई सी 7 to 8 हैंड्स रेज, सो आई ट्राई टू कीप इट शॉर्ट एंड आई जस्ट ट्राई टू टेक सम मोर क्वेश्चन। थैंक यू। Sorry, tips of what? Overthinking. Okay. इसके बारे में मैंने एक क्लास दिया है इंग्लिश में, what is that? Start living a stop. Stop worrying, start living. अगर आप उस क्लास को सुनेंगे तो you'll get a lot of tips on how to help your self from this overthinking, unnecessary thinking, unnatural thinking. See,
कुछ थिंकिंग करना अच्छा भी है. अगर आप बिल्कुल थिंकिंग नहीं करोगे तो बुद्धू समझेंगे लोग. यू हैव टू. बट जैसे जैसे बोलते ना कि कुछ स्ट्रेस लेना अच्छा है. जैसे कुछ होता है नेचुरल स्ट्रेस, कुछ होता है हैबिचुअल स्ट्रेस. नेचुरल स्ट्रेस अच्छा है, हैबिचुअल स्ट्रेस ठीक नहीं है. सो या कभी कभी थिंकिंग अच्छा है बट ओवर थिंकिंग प्रॉब्लमेटिक है. और उसको अवॉइड करने के लिए हमें पॉजिटिव लोगों का एसोसिएशन में रहना है, पॉजिटिव चीज़ें सुननी है, हमारे माइंड को रिफ्रेश करना है. सी इनफैक्ट अगर स्ट्रेस नहीं होगा तो भी प्रॉब्लम है. इमेजिन अगर आपके स्कूल में टीचर्स ने कहा होता आपको कि आप अभी फोर्थ क्लास में हैं, आपको जब भी कंफर्टेबल लगे तब एग्ज़ाम दे दीजिएगा इन योर ओन टाइम. जस्ट बी कंफर्टेबल, डोंट टेक एनी स्ट्रेस. वेन एवर यू आर रेडी यू गिव एग्ज़ाम. बिलीव मी अभी तक भी हमारा फोर्थ क्लास कंप्लीट ही नहीं होता था, लेकिन डेट दे दिया एग्ज़ाम का तो हम कैसे भी करके पढ़ते हैं और एग्ज़ाम दे देते हैं. तो कुछ कुछ स्ट्रेस हमारे जीवन में ज़रूरत है, कुछ डेडलाइंस, कुछ थिंकिंग ज़रूरत है. लेकिन किसी किसी लोगों को हैबिचुअल स्ट्रेस होता है, मतलब कुछ सिचुएशन ऐसी नहीं भी हो फिर भी उस सिचुएशन के बारे में इमेजिन कर लेते हैं, ओवर थिंकिंग कर लेते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी कोई गया आज सुबह अपने जॉब पे, अपने वर्क प्लेस पे, और देखा कि बॉस ने स्माइल नहीं किया. अब वो ओवर थिंकिंग शुरू करेगा, स्माइल क्यों नहीं कर रहा है. हो सकता है कि वो मुझे जॉब से निकालना चाह रहा है, शायद उसको मेरे प्लेस में कोई रिप्लेसमेंट मिल गया होगा. शायद वो सोच रहा है कि मुझे नेक्स्ट मंथ नोटिस दे के निकाल देगा. अगर वो निकाल देगा तो मुझे इमीडिएटली कहाँ जॉब मिलेगा, और मेरे घर का ईएमआई बाकी है, मेरे गाड़ी का ईएमआई बाकी है, और अगर मैं ईएमआई टाइम पे नहीं भर पाऊँगा तो मेरी बीवी क्या बोलेगी, मेरी बीवी से झगड़ा हो जाएगा, मेरी बीवी मेरा डिवोर्स दे देगी. डिवोर्स दे देगी तो बेटा मैं रखूँगा कि वो रखेगी, शायद वो रख लेगी, फिर मुझे बेटे से मिलने नहीं देगी और मैं ईएमआई नहीं भर पाऊँगा, बैंक मेरी सारी चीज़ें ले लेंगे, फिर मैं रास्ता में आ जाऊँगा, फिर मैं क्या करूँगा, द्वारका नगर के ट्रैफिक लाइट के पास में डाबर घी का टूटा हुआ डब्बा लेके भीख मांगूंगा. सर एक्सक्यूज मी, आप यहाँ थे, आपके बॉस ने स्माइल नहीं किया, लेकिन आप कहाँ तक पहुँच गए. ये टाइप ऑफ ओवरथिंकिंग हम करते हैं, कितना कुछ सोच लेते हैं, हालांकि ये सब कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है. अभी सिर्फ आप यहीं हो, आपके बॉस ने आज आपको स्माइल नहीं की. तो ये ओवरथिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग इसलिए होता है बिकॉज इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं क्यों नेगेटिव थिंकिंग आता है या ओवरथिंकिंग आता है. एक तो कंडीशनिंग है, एक तो आपके घर का एटमॉस्फेयर है, एक तो आपके पूर्व जन्म के संस्कार है, एक तो आपका अपब्रिंगिंग है, एक तो आपका टीचर्स मेंटर्स जो आपके आसपास है, अगर उनका भी स्वभाव ऐसा है तो आप भी ऐसे बन जाओगे. ओवरथिंकिंग, हर चीज़ में टेंशन. जैसे कभी कभी किसी के घर में ऐसा नहीं होता है, हर चीज़ में नेगेटिव हो जाते हैं पेरेंट्स, जल्दी आना है नहीं तो फिर ये हो जाएगा, ये मत करना तो बस मिस हो जाएगा, तुम ये करना मत स्लिप हो जाओगी, ये हर चीज़ में एक नेगेटिव ही उसका ये देते हैं और हर चीज़ में टेंशन करवा देते हैं. तो आपके मेंटर्स कैसे हैं, आपके पेरेंट्स कैसे हैं, आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है, आपका कैसा कंटेंट देखते हो, आप हॉरर मूवीज़ देखते हो, कैसा कंटेंट आप देखते हो यूट्यूब में, आप कैसी किताबें पढ़ते हो, आप कैसी चीज़ों से एक्सपोज हो, ये सारी चीज़ें हमें फॉर्म करती है, हमारी थिंकिंग प्रोसेस को बनाती है. तो इसलिए हमें बहुत केयरफुल रहना है. वॉट आर वी, यू नो द गीगा प्रिंसिपल, वॉट गोज इन कम्स आउट, गोज आउट, दैट्स इट. तो बस आप जस्ट ये ऑब्जर्व करो, एक अपनी डायरी लिख के आप अपना पूरा रूटीन लिखो एंड जस्ट सी वेयर इज़ योर इन्फॉर्मेशन कमिंग फ्रॉम. आप क्या देखती हो, क्या सुनती हो, क्या खाती हो, आपका रूटीन कैसा है, आपके आसपास के लोग कैसे, ये सारा आप रिसर्च करो, तब आपको पता चलेगा वेयर समथिंग इज रॉन्ग एंड देन यू कैन यू नो स्टार्ट मॉडिफाइंग इट with the help of, you know, other senior Vaishnavas that you are in touch with. And because overthinking ka, just I told you, there are so many ways, you know, so many, kya kehte, sources, jahan se ye, aap mein ye aaya hai, ye gun aaya hai, ya avagun aaya hai, to iske upar mein aap kaam karo, aur dheere dheere se pura checklist bana ke ek ek ko cross karte huye jao, and then you will, you know, associate with the right kind of people, see the right kind of content, right kind of, you know, things andar mein loge, to right kind of things will come out. Okay. बहुत ही सुंदर प्रश्न है, लेकिन ये प्रश्न ऐसा नहीं है जिसको एक दो पाँच मिनट में बताया जाए, पर इसके बारे में मैंने एक स्पेशल प्रवचन दिया है 2 घंटे का. What is humility and tolerance?
क्या सहन करना चाहिए, क्या सहन नहीं करना चाहिए, विनयी होना मतलब क्या, सही मायने में विनय होने का मतलब क्या है, उस पर मैंने 2 घंटा बताया है। आप YouTube में मेरा नाम डाल के ह्यूमिलिटी एंड टॉलरेंस डालिए, यू विल गेट अ सैटिस्फाइंग आंसर विद लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स। तो ये आपको मदद करेगा कैसे सिचुएशन में क्या होना चाहिए। और हम जो ह्यूमिलिटी का डेफिनेशन समझते वो एक्चुअली है ही नहीं ह्यूमिलिटी हम जो सोचते हैं, तो इस पर मैंने बोला है यू शुड रिफर दैट लेक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कैसे हम हमारे घर के लोगों को भक्ति जीवन में लेके आए। घर के लोगों को भक्ति जीवन में लेके आना है तो अपनी ड्यूटीज सही तरह से करिए, देन दे विल हैव रेस्पेक्ट फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो अगर आप घर की ड्यूटीज़ नहीं करके कृष्णा कॉन्शियसनेस में जाने की कोशिश करेंगे तो उन्हें भगवान से नफरत हो जाएगी, तो ये फिर हम डिससर्विस करेंगे। तो हमें हमारी ड्यूटीज़ सही तरह से निभानी है। और व्हेन वी बिकम ए गुड डिवोटी अपने आप से लोग हमारे आसपास के लोग इंस्पायर हो जाते हैं, पर अगर हम नाटक करते हैं तो हमारे घर के फैमिली मेम्बर्स भक्त कभी नहीं बनेंगे, क्योंकि वो तो देखते हैं कि आप घर में कैसे हो, पर अगर आप सही मायने में अच्छे भक्त बनते हो तो अपने आप से वो इंस्पायर होते हैं, क्योंकि वो देखते हैं अपने आपके डे टू डे बिहेवियर। और डेफिनेटली वो जब देखेंगे कि पहले आपको इतना गुस्सा था लेकिन अब आप गुस्सा नहीं करते, पहले आप ऐसे क्या कहते हैं आपकी इतनी सारी इच्छाएं थी लेकिन अब आपकी इच्छाएं कम हो गई, जब आप में वो इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट देखेंगे तब अपने आप सोचेंगे कि नहीं आई ऑल्सो वॉन्ट टू बिकम ए डिवोटी। तो उस तरह से देर आर सो मेनी वेज टू प्रीच, समटाइम्स यू प्रीच टू पीपल, समटाइम आप लोगों को प्रचार करते हैं बाई गिविंग क्लासेस, समटाइम्स यू प्रीच बाई नॉट स्पीकिंग एनीथिंग, जस्ट बाई योर बिहेवियर। आप जिस तरह से हो एज ए पर्सन लोगों को इंस्पायर कर सकते हो, तो आपकी सिचुएशन के अनुसार आप प्रीच करिए। आप हेड ऑफ द फैमिली है, आप फादर ऑफ द फैमिली है, हस्बैंड ऑफ द फैमिली है, देन यू हैव डिफरेंट वे टू प्रीच। आप अपनी पत्नी को अपने बच्चों को अनुशासन में रख सकते हो कि नहीं आपको इतना जब करना ही पड़ेगा, आप रूल्स फॉर्म कर सकते हो। अगर आप पत्नी हो वेर यू हैव टू बी ओबीडियंट टू हस्बैंड, तो आप डिफरेंट टाइप से प्रीच कर सकते हो जिससे आपकी क्या पोजीशन है आपके फैमिली में। अगर आप बच्चे हो और आप चाहते हो आपके माँ बाप भी जो है कृष्णा कॉन्शियसनेस में आए, तो उसका एक अलग तरीका है। सो डिपेंडिंग अपॉन आपका क्या सिचुएशन है, आपका क्या रोल है आपके घर में, उसके अनुसार आप जो है भक्ति में ला सकते हो। अगर आप छोटे से बच्चे हो और आप अपने पेरेंट्स को चाहते हो कि भक्ति में आए, तो फिर आप एक सिंसियर चाइल्ड, एक ओबीडियंट चाइल्ड, यू नो आपकी जो भी पढ़ाई अच्छे से करिए, आप को भी जो भी घर में आपको काम बोला जाता है उसको अच्छी तरह से करिए, देन दे विल फील इंस्पायर्ड। बिकॉज माँ बाप क्या चाहते हैं, अपने बच्चों को सेफ देखना चाहते हैं कि दे आर वेल सेटल एंड ऑल। सो इट डिपेंड्स अपन व्हाट्स योर रोल इन द हाउस, उसके अनुसार यू कैन ब्रिंग पीपल अराउंड यू इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। ओके, या थोड़े सी कफ एंड कोल्ड है, या कृष्णा